तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर सिस्टम, क्या शानदार तरीका, क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो, मजा आएगी। और आपको इस बात का एश्योरेंस हो जाएगा कि नंबर सिस्टम में ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं आना है। अर्थात अगर आपने आज की क्लास के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप नंबर सिस्टम से छुटकारा पा जाओगे, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे अपने पास क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत अच्छे ढंग से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आज की इस क्लास में, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए और ये लगे आपको कि वाह क्या बात है। ठीक है, चलिए भैया, तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो कि इसकी विभाजक है, मतलब इस संख्या को, दी हुई संख्या को विभाजित करेगी, वो संख्या हमें देखनी है और ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अपने पास जो ऑप्शंस हैं इस पर थोड़ा सा अगर काम कर लिया जाए तो इसमें थोड़े से काम से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको विभाजित करेगी। राइट, बोले अच्छा सर कैसा काम करना है, हमने कहा देखिए जरा भाई, पहला ऑप्शन अपने पास है 15, राइट ना। तो अब अगर 15 को अपन लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, यानी अगर कोई संख्या, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संख्या 15 से विभाजित होती है, सपोज करिए कोई एक संख्या है जो कि हमने जैसे कह दिया 45, अगर ये संख्या 45 15 से विभाजित होती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो 45 है वो 3 और 5 दोनों से ही डिवाइड हो रही होगी, क्योंकि 15 को हमने उसके टुकड़ों में करके लिखा, यानी 5 × 3 = 15 ही तो होता है, राइट ना, यही तो मतलब हुआ। बोले हाँ सर, तो अगर ये दी हुई संख्या जो बड़ी वाली है, अगर ये दी हुई संख्या 15 से विभाजित होती है तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी होगी, यही तो मतलब हुआ ना, 3 और 5 से विभाजित होगी। तो जरा चेक कर लेते हैं कि ये 3 और 5 से विभाजित होती है या नहीं होती, समझना। अगर ये दी हुई संख्या 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजन का नियम होता है इकाई में 0 या 5 हो, तो भैया 0 तो है, अर्थात एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये जो बड़ी सी संख्या लिखी है ये 5 से तो डिवाइड होगी। अब हम देखते हैं ये 3 से होगी या नहीं होगी, तो 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है, व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। नियम ये कहता है कि अगर दी हुई संख्या के अंकों का योग, जितने भी अंक हैं उसके, अगर उनका योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड हो रही होगी, राइट ना, यही तो मतलब हुआ। तो अब इसका अंकों का योग देख लेते हैं, 7 × 6 = 13, 13 और 4 = 17, 17 और 5 = 22, 22 + 1 = 23, 23 × 2 = 25, 25 और 8, 8 × 5 = 33, 33 और 2 = 35, 37। इसके अंकों का योग बन रहा है 37। अब सब बच्चे ये जान पा रहे होंगे कि 37 जो है ये सर 3 से तो डिवाइड होता ही नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 5 से तो विभाजित होगी लेकिन 3 से नहीं होगी। और जब तक कोई दी हुई संख्या दोनों से नहीं विभाजित होगी तब तक उस संख्या को, इस वाली संख्या को, इसका डिवाइजर यानी विभाजक नहीं कहा जा सकता है, अर्थात ये संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी, राइट। इतनी बात ठीक लगी, बोले हाँ सर। अब आते हैं दूसरी बात पर, गौर करिएगा, एक एक पॉइंट इतना क्लियर आपको समझ आएगा दोस्त, इतना मजा आएगी आपको, बस आप समझना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपके पेपर में नंबर सिस्टम में कुछ नहीं आएगा, विश्वास करो, इस बात को लिख लो कहीं, ठीक है, लेकिन समझना बहुत ध्यान से। एंटरटेनमेंट की एक बात अलग है, एंटरटेनमेंट के लिए मैं यहां पर नहीं पढ़ा रहा हूं, बट बहुत ध्यान से समझना चीजों को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। अब मैं आता हूं 18 पर, चेक करते हैं कि कोई ये जो संख्या है 18 से विभाजित होगी या नहीं होगी, समझिएगा। तो अगर मैं 18 से चेक करने बैठा तो मैंने देखा कि 18 को सर जी 9 × 2 लिख सकते हैं, ये संख्या सर 9 2 से तो विभाजित हो जाएगी। बोले सर 2 से क्यों विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इकाई में इसके एक सम संख्या अर्थात 0 है, और जिस भी संख्या की इकाई में 0 यानी कि कोई सम संख्या होती है वो संख्या 2 से विभाजित हुई मानी जाती है नियम के अनुसार, राइट। अब बारी आती है 9 से चेक करने की, तो 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 से डिविजिबिलिटी ये कहती है मेरे दोस्त कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित होती है। अच्छा, जब अभी हमने इन संख्या के अंकों का योग किया था तो हमें क्या पता चला था, इन संख्या के अंकों के योग में हमें पता चला था कि इसका योग 37 आता है, और 37 9 से तो डिवाइड होता नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी,
और 9 से विभाजित नहीं होगी, 2 से होगी, तो मतलब ये 18 से भी डिवाइड नहीं होगी, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतने में किसी को कोई समस्या आई हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे वाले ऑप्शन को हम आपको समझाते हैं, ठीक है, इलेबरेट करते हैं। अगला ऑप्शन था 16, बहुत ध्यान से देखना भैया। मान लो कोई बच्चा ऐसा, सपोज करिए हमें 16 का पहाड़ा नहीं आता है, तो 16 का नहीं आता है कोई बात नहीं, हमें 8 और 2 का तो पहाड़ा आता है। बिल्कुल बेस से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, मतलब वो पॉइंट भी मैं डिस्कस कर रहा हूं जो आपको लगेगा कि आपने पढ़कर कभी भुला दिया है, ठीक है। चलिए अब अगर इसको मैं चेक करता हूं, देखना ध्यान से, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? बोले सर 2 से बिल्कुल होगी क्योंकि इकाई में एक सम संख्या है, ठीक है। अब मैं आता हूं 8 के विभाजकता के नियम पे। तो 8 से जो विभाजकता का नियम होता है वो ये कहता है कि अगर किसी संख्या का, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अगर उसका दहाई अंक यानी टेंथ प्लेस, और अगर उसके सैकड़े का अंक यानी कि 100th प्लेस पर जो वैल्यू लिखी हुई है, अगर ये तीनों वैल्यू 0, 0 या 0 हो तो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, और या फिर इन्हीं तीनों स्थान पर लिखी हुई जो संख्या है, जैसे यहां पर क्या है 120, क्या है 120 है कि नहीं है, तो अगर इन्हीं स्थान पर लिखी हुई संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है क्या 120 8 से विभाजित होता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो 8 से भी विभाजित हो गई और 2 से भी विभाजित हो गई। इसका मतलब ये जो बड़ी वाली संख्या दे रखी है, ये बड़ी वाली संख्या भैया 16 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 16 से। और यदि आपको 16 से विभाजकता का नियम पूरा पूरा आता है तो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब सर 14 क्यों नहीं देख रहे हो? भैया 4 में से 3 ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, बाकी 3 को गलत होना ही पड़ेगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। क्लियर है इतनी मेरी बात? स्पष्ट है ये बात? बोलिए ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। देखिए हाँ, अब इस सवाल को समझो। ये सवाल जो दिख रहा है आपको, कह रहा है 11025 के गुणकों की संख्या क्या होगी, फाइंड द नंबर ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स। इसके कितने मल्टीपल होंगे? मल्टीपल को एक चीज और भी कह सकते हो, डिवाइजर्स कह सकते हो, ठीक है। इसमें कितने सारे गुणक होंगे? तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका जो नियम होता है, जब कभी भी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो आप गुणकों को या मल्टीपल्स को कह सकते हो गुणनखंड। क्या कह सकते हो? गुणनखंड, ठीक। तो जब कभी भी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भैया। यदि अगर कोई फॉर्म ऐसे लिखिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया a की पावर n और यहां लिख दिया b की पावर m, ठीक। ये संख्या लिखी हुई है, इसका आपको निकालना है इसमें गुणकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ द डिवाइजर्स या फिर गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, बहुत ध्यान से समझना। तो दो बातें होती हैं, पहली बात यह होती है कि यहां पर संख्या जो नीचे आधार की है ए और बी, इन ए और बी का प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर संख्या अभाज्य नहीं है तो आप इनको उसमें बदलिए। दूसरी बात, अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, जैसा कि यहां पर बोल दिया गया कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, कुल गुणनखंड निकालने हैं तो क्या करना है, जो भी घात लगी हुई है, जैसे यहां n थी यहां m थी, तो आप इन घातों में एक एक जोड़ दीजिए, n प्लस 1 हो गया और यहां पर हो गया m प्लस 1, एक एक जोड़कर इनका आपस में गुणा कर लीजिए और यही हो जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है? बोले ठीक है सर। आइए जरा देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है 11025 के कुल गुणनखंड निकालने, बहुत ध्यान से देखना। अब सबसे पहली बात, अगर 11025 लिखा है तो इसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ऐसी स्थिति में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिएगा जरा। अब एक चीज तो पक्की है कि 11000 अगर 25 लिखा है और इसको मैं 5 से विभाजित करता हूं तो कम से कम ये 5 से 2 बार विभाजित होगा। बोले सर क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो?
भैया अगर मैं 11,000 को 5 से विभाजित करूंगा तब भी इसके आखिरी में यानी इकाई में 5 तो एक बार और आएगा ही आएगा, और जब 5 आ जाएगा तो इसका मतलब संख्या 5 से विभाजित होगी। आपको करके दिखाते हैं। सपोज 5 से इसको विभाजित किया तो क्या मिलेगा? बोले सर 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 दूनी 10 और 5 पच्चम 25, ये मिलेगा। मिलेगा? बोले हाँ सर। अब 2205 को फिर मैं 5 से विभाजित करता हूँ, इसको एज इट इज लिख दिया, इसमें 5 से और विभाजित करते हैं, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 एकम 5, ठीक। अब आप एक चीज समझ पाते होंगे कि जैसे ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 441 जो है ये 21 का स्क्वायर है, राइट, है ना। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोले सर 5 का स्क्वायर तो पहले से लिखा था, 21 को हम लोग 7 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 3 का होल स्क्वायर। अब अलग अलग करके कैसे लिखोगे? बोले सर 5 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। तो अब आप ये देख पा रहे होगे कि ये जो हमारे पास फॉर्म बन के आई है, जो रूप तैयार हुआ है, ये यही रूप है जो मैंने अभी आपको बताया था। अब क्या करना है? घात में एक एक क्या करना है? जोड़ देना है। तो जैसे ही घात में आप एक एक जोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा? देखिए 2 घात थी पहले से, 1 जोड़ देंगे ये 3 हो जाएगी। यहां पर भी 7 की घात 2 थी, 1 जोड़ दिया 3 हो गई, और यहां भी 3 की घात 2 थी, 1 जोड़ दिया तो ये भी क्या हो गई? 3। अब अगर सभी का गुणा कर लोगे तो टोटल नंबर ऑफ जो यहां पर गुणनखंड होंगे, फैक्टर्स होंगे, वो कितने आ जाएंगे? 27। क्या आ जाएगा? 27। क्लियर है? और यहां पर मल्टीपल की जगह फैक्टर लिख लीजिएगा, ठीक है? क्या लिख लीजिएगा? फैक्टर्स। गुणनखंड का मतलब क्या हो जाएगा? गुणकों का मतलब हो जाएगा फैक्टर्स, ठीक। तो कुल कितने गुणनखंड होंगे 11025 के? तो जवाब होगा सर कुल 11025 के 27 गुणनखंड होंगे। होप्सो कि आप ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक, वेरी गुड। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, और सबका प्रश्न का उत्तर ये आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। इस बात को नोट जरूर कर लेना, ये भी बड़ी इसका कॉन्सेप्ट है, इसको नोट जरूर करना, ठीक है। हाँ चलो इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखने से पहले क्या है ना कि अंतिम 2 अंक जो पूछे गए, जैसे इस सवाल में कहा गया है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। अच्छा ये क्या है कि अभी तक आपने वो चीजें सीखी हैं जिसमें इकाई का अंक आपसे पूछा जाता था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से आप पहली बार इस सवाल को पढ़ोगे समझोगे, जिसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा बाद में भी पहले भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ इसका अगर डिस्कशन हो तो बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको ये सवाल करके बता देता हूँ। इसमें पूछा गया है लास्ट 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अंक क्या होंगे इस पूरे क्वेश्चन के, ये जो एक संख्या लिखी हुई है इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, है ना, लास्ट 2 डिजिट। समझिएगा बहुत ध्यान से, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सुघड़ प्रश्न है, मैं आपको समझाता हूँ, समझना। देखो कैसे निकाला जाएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ये लिखा था 56 की पावर 283, राइट, ठीक है। उसके बाद था 141 की पावर 283, और लास्ट में लिखा है 125 की पावर 254, ठीक। अच्छा आप को मैं अब कुछ चीजों का ध्यान दिलाता हूं जिसको आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा ध्यान कैसे दिलाते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा था कि किसी भी संख्या की पावर अगर पूछी दी हुई हो और उसमें पूछ दिया जाए कि उसके अंत में 0 की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ जीरोस, तो उसके जरा कॉन्सेप्ट को अपने मन में एक बार रिवाइज करो, ठीक है, और उसके बाद इस प्रश्न को देखते हैं। मैं उसी पर चलता हूं। नंबर ऑफ जीरोस में हमने ये सीखा था, और फिर से मैं पढ़ाऊंगा जब जो कोर्स है सब्सक्रिप्शन में, जिसमें पूरा कोर्स मैं लेकर आ रहा हूं, आप उसमें हर एक चीज होगी, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपसे छूट के रह जाए, ठीक है, आपके पेपर के हिसाब से। नंबर ऑफ जीरोस में हमने क्या पढ़ा था, जब हम लोग जीरोस की संख्या निकालते थे तो उसमें हम लोगों ने यह पढ़ा है कि 0 कब बनता था, जब एक बार 5 और एक बार किसी संख्या में 2 मिल जाए या 4 मिल जाए, ठीक है ना, इसके आधार पर 0 की संख्या निर्धारित होती थी, राइट ना। अच्छा जी मैं आपसे क्या बोलने वाला हूं, गौर करना। जैसे ये 56 लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 गुणे 4, बोले सर लिख सकते हैं 283 लिख दिया। अब किसी भी संख्या में 0 किस पर निर्भर करता है? 5 की संख्या पर और 2 की संख्या पर निर्भर करता है।
तो एक चीज और सपोज कर लो कि अगर ये चार है तो इसको 2 × 2 भी लिखा जा सकता है, बोले लिख सकते हैं लेकिन सर जरूरत लगेगी तो लिखते हैं, गुणे 141 की घात 283, देखना ध्यान से, और 125 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और ऊपर पावर 254। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछूं, हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना लास्ट 2 डिजिट का, ये बहुत अच्छा और बहुत मतलब एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको पूरा बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी यहां पर जो मैं आपको इस सवाल के लिए बता रहा हूं उसको समझना, आंसर देखो कैसे आता है। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अगर मैं यहां पर इस वाले उसमें देखना चाहूं तो जो 2 की घात मिल सकती है हमको, कैसे मिल सकती है, 2 की घात 2 यहां से मिल जाएगी, 1 यहां मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 7 × 2 की घात 3 और पावर 283 है ना। तो अगर मैं ये देखूं कि यहां पर जो 2 की घात में जो नंबर आएंगे वो काफी मतलब 600 से भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे, 2 की घात में जो नंबर आएंगे वो 600 से ज्यादा नंबर आएंगे, और अगर मैं यहां पर देखूं 5 की घात में जो नंबर आएंगे वो आ जाएंगे 3 × 254, और आखिरी में 0 किस बात पर निर्भर करता था, 5 की और 2 की संख्या पर। यानी कम से कम हम ये तो कह ही सकते हैं कि इसके आखिरी में जो 0 होंगे वो 200 से ज्यादा होंगे, राइट। तो अगर हमें आखिरी में 0 निकालने थे तो हमें आखिरी 2 अंक निकालने थे, यानी इकाई में तो 0 आएगा ही कंफर्म है, और दाही में भी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 की संख्या इसमें जो होगी इस पूरे सवाल में वो काफी ज्यादा होगी। तो इकाई और दाही, इकाई में और दाही दोनों में 0 होंगे, ये बात आप समझ पाए हैं, उम्मीद करता हूं कि बात आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। तो लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो क्या क्या होंगे इसमें, 00, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का। बोलिए क्या बात स्पष्ट हुई, केवल इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा था, नंबर ऑफ 0 किस पर निर्भर करता है, उसी से ये पूरा सवाल हुआ, क्लियर है, देख लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो अच्छा। अब देखिए ये आया एक प्रश्न जो कि विभाजकता पे ही है, लेकिन विभाजकता के दूसरे नियम पर है। वो नियम क्या है, वो नियम होगा 11 का। सभी बच्चे कमेंट इस बात पे जरूर करना क्या आपको 11 से विभाजकता का नियम याद है, और अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है। कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 11 से डिवाइड होगी, ठीक। यानी यहां पर आपको जो याद रखना होगा वो क्या याद रखना होगा, वो याद रखने वाली चीज है डिविजिबिलिटी ऑफ ऑफ 11। 11 से विभाजकता का नियम याद रखना है, मैंने कहा ना मैं वो चीजें भी आपको इस पूरी क्लास में रिकॉल करा दूंगा जो कि नंबर सिस्टम में आपने पढ़ी तो है लेकिन भूल गए हो, और कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो पढ़ी नहीं होंगी, जैसे लास्ट 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है जिसको मैं शेयर करूंगा। तो चलिए भैया, पहला ऑप्शन हम देखते हैं कैसे चेक करना होता है कि कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। पहला ऑप्शन लिखा है 14256। देखो 11 से विभाजकता का जो नियम आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि इकाई अंक से शुरू करते हुए हम लोग अल्टरनेट यानी कि सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं इकाई से शुरू करते हुए। तो इकाई से ये शुरू किया, यहां पर आए, यहां पर आ गए 6, 2, 8 और 1, 9, ठीक है, समझ पाए। और फिर विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं 5 और उसके बाद 4, 5 और 4, 9, ये दोनों अंक आपने देख लिए, बोले सर देख लिए। अब ये जो जोड़कर आया है, अगर इसका अंतर, अगर इसका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 11 से विभाजित होने वाला आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए या फिर 11 से विभाजित होने वाली अगर कोई संख्या आ जाए, तो आप यही कहते हो कि ये संख्या जो है वो किससे विभाजित होगी, वो 11 से विभाजित होगी। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी, बोलिए। तो आपका जवाब क्या होगा, सर ये संख्या 11 से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए यहां पर 0 तो आ रहा है भाई, इन दोनों का अगर अंतर लोगे 0 आ रहा है, आ रहा है। अब मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं जिसको आप समझो, बोले सर क्या, हमने कहा देखो अगर सपोज यही संख्या होती हमारे पास और आपसे प्रश्न ये कर दिया जाता कि इसको डिवाइड करके दिखाओ 11 से, तो हमने कहा चलो आते हैं इस पर। 14000 कितना लिखा था, 526,
14,526 लिखा था ना, और हमने क्या लिख दिया, 256। ठीक है चलो ये भी आप सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। 14,526 लिखा हुआ है, समझना। तो क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? बोले सर जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 और 1 12, 4 और 2 6। तो जो अंतर मिला भैया हमको वो मिला 6 का, और अंतर जब तक क्या ना मिल जाए, 11 या फिर 0 ना मिल जाए, तब तक संख्या 11 से विभाजित हुई मानी जाती है? बोले नहीं मानी जाती। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी? बोले नहीं होगी सर। ये वो नियम है, ये वो तरीका है जो आपने पढ़ा हुआ है। मैं क्या बताने वाला हूं कि जो तरीका ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको अब थोड़ा सा शायद मॉडिफिकेशन का समय आ चुका है। आप इसको कैसे करोगे जानते हो? आप इसको ऐसे लिखो, जैसे ये संख्या लिखी है 14,526, ध्यान से देखना। आप इसको कैसे करोगे? बोले सर हम इसको कैसे करेंगे से क्या मतलब? हमने कहा भैया इसको ऐसे करो, इकाई अंक से शुरू करते हुए सबका लगातार अंतर लेते चलो, इसका इसका अंतर। बोले सर 4 आ जाएगा प्लस का, भाई 6 में से 2 गए 4 आ गया। बोले हाँ सर। इसका इसका अंतर, बोले सर 5 में से 4 जाएंगे 1 आ जाएगा। अब इसके आगे अंतर लेने के लिए तो कुछ है नहीं, तो 0 लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने इधर 0 लिख दिया तो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इधर 0 लिख दिया तो इसका अंतर भी 1 आ गया। इनको जोड़ लीजिए, 4 और 2 क्या हो गया 6। ये आप ओरल मुंह जवानी कर सकते हो, इसमें आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है लिखना पड़ जाए। 4 और 2 6 आ गया। इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है ये 11 से विभाजित नहीं है। अब दूसरे पर बढ़ता हूं मैं, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है उसको दिखाते हैं, ठीक है? चलिए दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। क्या लिखा हुआ है दूसरा ऑप्शन? 12,654, ध्यान से देखना, 12,654। इन दोनों का अंतर बताइए, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा प्लस का, और 1 में से 1 0 रहेगा। इस सबको जोड़ लेते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, और अंतर मिलना चाहिए 9 या फिर 11। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। रिकॉल हो रहा है, मजा आ रही है। तीसरे ऑप्शन पर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर। यह लिखा हुआ है 15,426, 15,426। बताइए अंतर, बताइए 4। बोले सर यहां का अंतर, बोले सर माइनस का 1, और ये अंतर 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 ही बचेगा। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं। 4 में से 3 ऑप्शन गलत, चौथे का सही होना उसकी मजबूरी है, चौथे का सही होना उसकी मजबूरी। स्क्रीनशॉट लीजिए, 11 से विभाजकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा। जब कभी भी आप गणित लगा रहे होंगे तो हमेशा जो मेन चार ऑपरेशन होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, उसमें डिवीजन का बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि कई बार संख्याएं ऐसी होती है जिसको काटने में बड़ी समस्या आती है। तो आपको विभाजकता के नियम तो बड़े अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है? आइए अगले सवाल को चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है ये एक संख्या दी हुई है और यहां पर एक संख्या में हैश लगा हुआ हैश। कह रहा है कि इसको किससे बदल दें कि ये संख्या किससे विभाजित हो जाए, 8 का गुणज बन जाए, यानी कि 8 से विभाजित हो जाए, है ना? और 8 से विभाजकता के नियम के लिए ध्यान से सुनना, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के लिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 8 के लिए हमारे पास जो जरूरी अंक हैं वो कौन कौन से होने चाहिए? 8 से विभाजकता के लिए जो जरूरी अंक होते हैं कौन कौन से होने चाहिए? बोले सर इकाई का अंक यूनिट डिजिट होनी चाहिए, टेंथ प्लेस दाही का अंक होना चाहिए, और 100th प्लेस यानी सैकड़े का अंक होना चाहिए। इसकी जरूरत लगती है हमको बस, इसके अलावा 8 से विभाजकता के लिए और किसी अंक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें 3 अंक लिख लेते हैं, तो सैकड़े के स्थान पर तो हैश लिखा था, लिख दिया, फिर उसके स्थान पर 8 लिखा था दाही के स्थान पर, और इकाई के स्थान पर 4 लिखा था। अब आपसे पूछा यह था कि इसको हैश को किससे बदल दे, समझिएगा इसको किससे बदल दिया जाए, और ऑप्शन दिए हुए हैं। भैया क्या था ना कि 8 से विभाजकता ये कहती है कि अगर इन तीनों अंकों का जो योग, मतलब ये जो तीनों अंक हैं, कौन कौन से, इकाई, दाही और सैकड़े के स्थान के जो अंक हैं, ये अगर एक साथ कंबाइन फॉर्म में 8 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या 8 से विभाजित हुई मानी जाती है। तो हमने देखा कि इसमें हैश को बदलने के लिए पहला ऑप्शन 8 है, 8 लिख लिया हैश की जगह, और ये 8 और 8 था ही। चेक करें क्या यह संख्या 8 से विभाजित होगी? बोले सर 8 से विभाजित होने का सवाल ही नहीं उठता है, 11 ये हो जाएगा लेकिन 4 बचेगा, तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो आंसर नहीं हो सकता।
दूसरे में 6 लिखा था, अगर 6 यहां लिखोगे तो संख्या बनेगी 684। अब 684 को 8 से विभाजित करके देखें तो भी ये विभाजन नहीं होगा, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन अपने पास से खत्म हो गए। तीसरा रखते हैं 9, तो 9 रखोगे तो 8 4 ये पहले से था, 9 एकम 9, 8 यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 त्याई 24। जी हाँ, अगर आप हैज को 9 से बदल देंगे तो जो संख्या 984 बनी है ये 8 से विभाजित होगी पूरी पूरी, और अगर ये 8 से विभाजित होगी तो इसका मतलब ये दी हुई संख्या 8 से विभाजित होगी। कब? जब हैस को आप किससे बदल देंगे? 9 से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डी को खत्म कर दीजिए, चेक करने की उसको जरूरत नहीं है, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन, ये जो पिछले प्रश्न पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे सब चीज़ें समझेंगे तो मैं आपको फिर से एश्योर कर देता हूँ, इस बात की गारंटी दे देता हूँ लिखित रूप से, नंबर सिस्टम इससे बाहर नहीं होगा मेरे दोस्त। अभी आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं आप देखोगे तो आपका दिल आत्मा मनो चीज़ें मतलब तृप्त सी हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कह रहा है 49 की पावर 61 है, बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहा है, 49 की पावर 61 है। अब कह रहा है अगर इसको 35 यानी कि 35 से विभाजन किया जाए, 35 से, तो कह रहा है शेष क्या बचेगा, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है तो आप हमेशा ये कोशिश करना, हमेशा हमेशा ये कोशिश करना है कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, भाग दी जाने वाली संख्या अर्थात 49 को इसके पदों में तोड़ने का प्रयास करो, ठीक, बहुत सरल हो जाएगा। बोले सर कैसे? हमने कहा देख लो, जैसे ये लिखा था 49, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 35 प्लस 14 लिखा जा सकता है, 35 प्लस 14। बोले हाँ सर लिख सकता है, और पावर जो 61 है उसको एज इट इज लिखा रहने दो, उससे बहुत प्रभाव जब पड़ेगा तब देखा जाएगा, और नीचे आएगा 35, उसका कॉन्सेप्ट भी हम आपसे डिस्कस करेंगे जब उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। यही भाग करने के लिए अपने पास सवाल था, राइट ना? तो अब मेरे भाई आपसे अगर मैं ये पूछूं कि 35 से अगर आप 35 को विभाजन करें, अगर 35 से 35 का इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो जैसे इसको आपने लिख लिया 35 की पावर 61 और डिवाइड कर दिया फिर 35 से, और प्लस यहां पर लिख लिया क्या 14 की घात 61 और इसको भी 35 से डिवाइड कर लेना है, सिंपल सी बात है। तो भाई 35 से तो 35 पूरा कट जाएगा, तो जब ये हिस्सा आप सॉल्व करोगे 35 से 35 कटने के बाद तो शेषफल तो जीरो रहेगा, रहेगा कि नहीं? अच्छा अब मैं आपसे क्या कहने वाला हूं ध्यान से समझना, जैसे मैं ये कह दूं थोड़ी देर के लिए समझना कि 7 से अगर आपको कहा जाए कि 3 को विभाजन करिए, 7 से 3 को डिवाइड करिए, तो क्या ये बात संभव होगी? बोले सर ये तो विभाजित होगा ही नहीं, और जब ये विभाजित नहीं होगा तो ये जो संख्या लिखी है यही तो आपका शेषफल कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बोलिए कहलाएगी ना, यानी कि भाग दी जाने वाली संख्या जब छोटी होती है तो वही शेषफल बन जाती है। तो यहां पर जो भाग दी जाने वाली संख्या अर्थात 14 थी वो तो 35 से छोटी थी ना, तो बचा क्या, शेषफल जो आ जाएगा, रिमाइंडर जो आ जाएगा। हालांकि इस पर कॉन्सेप्ट होगा काफी, जैसे आपके मन में ये आ रहा है सर 14 की पावर 61 है ये तो 35 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि तो संख्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, मजा आएगी आपके। बोले सर क्या? हमने कहा देखो इस हिस्से को आप ऐसे लिख लो सकते हो ना कि 14 × 14 × 14 × 14 और ये कितनी बार, 61 बार। इस बात का मतलब तो यही है? बोले हाँ सर यही है। और नीचे क्या था, 35। बोले हाँ सर 35 था। तो भैया 35 से चाहे इस 14 को डिवाइड करो, चाहे इस 14 को करो, चाहे इस 14 को करो, चाहे आखिरी वाले को करो, बचेगा तो 14 ही क्योंकि भाग होगा ही नहीं, और जब वो 14 बच जाएगा तो शेषफल भी आपके पास क्या ही बचेगा, 14। क्या बचेगा? 14। तो आज जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत प्यारी चीज पर ये कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिएगा, ठीक है, प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि इन सब से बाहर आपके प्रश्न पत्र में कुछ आने नहीं वाला है, मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं। अगला सवाल देखता हूं, चलिए बहुत प्यारा सा सवाल आ गया है, आपसे पूछ रहा है कौन सा जो युग्म है, युग्म मतलब कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सह अभाज्य है, सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम, कौन सी संख्या इसमें ऐसी है ऑप्शंस में से जो को प्राइम है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं
कि एक्चुअल में कोप्राइम होती क्या है। जो कोप्राइम नंबर होता है, सहअभाज्य संख्या होती है, ये होती क्या है, इस पर जरा थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा चंद सेकंड्स का उस पर हम लोग बात करेंगे। सपोज करिए दो संख्याएं हैं अपने पास ए और बी। ये संख्या ए और बी सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम कब कहलाएंगी, जब जब इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन भाग है ना, जो कॉमन आएगा, यानी कि जो इनका आप कैसे कह सकते हो, जो इनका HCF होगा, जो कॉमन होगा, या कह सकते हो जो इनका HCF होगा, कॉमन भाग जो इसमें कॉमन होगा वो क्या होना चाहिए, अगर वो वन होता है, सिर्फ और सिर्फ वन, वन इसके अलावा कुछ नहीं। दो संख्याओं में अगर कुछ कॉमन यानी उनका HCF अगर वन होता है तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, तब ये दोनों संख्याएं कहलाती हैं सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, ठीक है, तब ये कहलाती हैं। और अगर इफ अगर एक के अलावा कुछ कॉमन आ गया, जैसे दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ गया वन के अलावा, तो संख्या क्या नहीं कहलाएंगी, को प्राइम नहीं कहलाएंगी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक चीज है। अब हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन है 156 पहली संख्या है और दूसरी संख्या 216 है। तो अभाज्य संख्याओं में का जो HCF होगा वो HCF क्या होना चाहिए, बोले सर वन होना चाहिए, कॉमन, वन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो हमें दिख गया कि दो से ये कट जाएगा, दो से ये कट जाएगा, HCF वन तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या क्या को प्राइम होगी, बोले ये संख्या को प्राइम हो सकती, बोले सर कभी नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया कि ये को प्राइम नहीं होगा। दूसरा देखा है, दूसरा ऑप्शन है 23 और 92। अब समझ में क्या आया सर, 23 तो ठीक है, जो 92 होता है इसको 23 × 4 लिखते हैं, तो भैया 23 ही कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आया लिखा हुआ है 24 और आगे क्या लिखी संख्या 351, गौर करिएगा, समझने की बात है। इस पर भी अपना एक कॉन्सेप्ट है कि देख के ही ये बताना कि कौन सी संख्या प्राइम है या नहीं है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन चीजें जब आएंगी तब। तो देखो क्या समझ में आया कि इस ये जो संख्या है ये छह बल्कि तीन से कट जाएगी, इसमें तीन कॉमन होगा होगा, बोले सर कैसे होगा, हमने कहा इसके अंकों का योग 6 और ये भी 5, 3, 8 और 1, 9 ये भी तीन से कट जाएगी, तो इसका मतलब ये भी को प्राइम नहीं होगी क्योंकि इसमें वन कॉमन नहीं है, वन के अलावा 3 भी कॉमन है, राइट। चौथी संख्या जो है ना, चौथा जो पेयर है वो है 18 और 35 का, जी हाँ ये है सही, 18 और 35 जो है इसमें 1 के अलावा, यानी अगर हम इसके HCF की बात करें तो इसका HCF जो होगा वो 1 होगा, यानी इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो सही जवाब होगा यहां पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो कैसी संख्या होगी, वो होगी सहअभाज्य संख्या। क्या मेरी ये बात सबके समझ में आई है स्पष्ट रूप से, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। हर एक सवाल आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए इस सवाल को देखते हैं, बहुत प्यारा सा सुंदर सा सवाल आ गया है, प्रयास करते हैं इस सवाल को देखने का और बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बड़ा अच्छे प्रश्न लाते रहने की कोशिश रहती है और कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा, देखना। एक संख्या को जब 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः ए और बी आते हैं। अच्छा, अब आपसे कह रहा है मॉडुलस ऑफ ए और बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं, किसके मॉडुलस ऑफ ए और बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं, समझना ध्यान से। ये जो ए और बी शेष आए हैं ये कब कब आए हैं, ए और बी जो शेष आए हैं ये तब आए हैं जब अगर किसी संख्या को, कोई एक संख्या थी, अगर 6 से विभाजित करेंगे तो शेष ए आता है और अगर 9 से विभाजित करेंगे तो शेष बी आता है। अब मैं आपसे यह पूछता हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी भी संख्या को अगर मैं 6 से विभाजित करता हूं, दुनिया की किसी भी संख्या को, तो उसमें मैक्सिमम जो शेष आ सकता है, मैक्सिमम शेष वो कितना आ सकता है, बोले सर 5 तक आ सकता है, बोले ठीक है, क्यों 6 क्यों नहीं आ सकता, अगर 6 शेष आ जाएगा तो दोबारा 6 उसको काट देगा, है ना। यानी कि अगर कोई संख्या है, सपोज करिएगा अगर कोई संख्या है, देखना ध्यान से और समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करना, ठीक, अगर कोई संख्या है और उस संख्या को मैं 6 से विभाजित करता हूं, किससे विभाजित करता हूं, 6 से, 6 से,
तो शेषफल हमारे पास क्या क्या आ सकता है? तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ सकते हैं, यानी जो ए का मान हो सकता है, ए का, वो क्या क्या हो सकता है? सर जीरो शेष आ सकता है, आ सकता है वन शेष आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है और फाइव तक शेष आ सकता है। छः किस लिए नहीं आएगा? छः अगर आ गया तो वो दोबारा इससे कट जाएगा, ठीक, इतने शेष आ सकते हैं। अब सर समझना, और अगर कोई संख्या है, सेम संख्या मान लीजिए, ठीक है, कोई संख्या है और अगर उस संख्या को मैं 9 से विभाजित करता हूं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, यानी बी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? अब यहां पर शेष जो आएगा, यानी बी का जो मान हो सकता है, वो क्या क्या हो सकता है समझ लीजिएगा। इसमें शेष जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, ये 8 तक रह सकता है, 9 आएगा तो वो कट जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये शेष आ सकते हैं जब किसी संख्या को किससे विभाजित किया जाए, 9 से। अब हमसे ये कह रहा है, ये बात तो हमें पता चल गई कि ए के इतने मान हो सकते हैं, ए के इतने मान हो सकते हैं और बी के इतने मान हो सकते हैं, यानी बी के 9 मान हो सकते हैं और ए के 6 मान हो सकते हैं, राइट, ये पॉसिबिलिटी आ गई। अब हमसे कह रहा था कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी कि कितने मान होंगे, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ये समझने की बात है, गौर करिएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, मॉडुलस ऑफ, देखो मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस लग गया तो इसका मतलब माइनस जो होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब मान देखते हैं कितने हो सकते हैं, समझिएगा, देखने वाली बात है। अगर मैं ए इसका ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, तो जीरो से जीरो तो वही रहेगा, वन से वन खत्म, टू से टू खत्म, थ्री से थ्री खत्म, फोर से फोर खत्म, फाइव से फाइव खत्म, यानी फाइव से हम लोग लेकर चल सकते हैं, बाकी जो कॉमन है उस कॉमन पार्ट को तो मैंने हटा दिया, सपोज कर लो उस जो कॉमन है उसको रखने का कोई वो नहीं है। मैक्सिमम मान कितने हो सकते हैं पॉसिबल जिनका कुछ मान आए, ये तो जीरो ही रहेंगे ना, चार तक तो जीरो ही हो जाएगा, वन में वन जीरो, टू में टू जीरो, ऐसे जीरो जीरो जीरो। तो अब कितने हो सकते हैं, बोले सर ये फाइव को नहीं लेना है, फाइव जो होगा वो जीरो देकर जाएगा, ठीक, फाइव, अब बताओ कितने मान हो सकते हैं। तो अब जो संख्याएं बची हैं मैक्सिमम वाले में, उतने मान हो सकते हैं, बोले सर 1, 2, 3 और 4। तो बताइए ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि अगर आप ए में से बी को घटाते हो और उसका मॉड लेते हो, मॉडुलस लेते हो, तो इसके जो अलग अलग मान हो सकते हैं वो अलग अलग मान क्या हो सकते हैं? भैया अलग अलग मान पूछ रहा है, इसको 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 लेकर चलोगे तो वो तो सिंपल मान आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, एक ही जैसा आएगा, अलग अलग पूछा है तो अलग अलग कितने हो सकते हैं? 5 में 5 जीरो हो सकता है, ठीक है, अब वहां तो कुछ बचा नहीं, तो माइनस का 6 यानी 6 हो सकता है, फिर उसके बाद 7 हो सकता है, फिर उसके बाद 8 हो सकता है, तो अलग अलग कितने मान संभव हैं? बोले सर अलग अलग 4 मान संभव हैं। कितने वैल्यू संभव हैं? 4 मान संभव होंगे, किसके? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी के। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है सभी को? स्क्रीन शॉट लोगे क्या? ले लो, हट जाते हैं, नहीं नहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हट गए हट गए, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए ना, अगले सवाल पर, मजा आई सवाल में, कुछ सीखने को मिला, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखें क्या कहता है, जरा पढ़ लिया जाए, बिल्कुल पढ़ा जाएगा सर, इसीलिए है ही। कहता है लेट, हिंदी में पढ़ते हैं कि P, Q और R जो है विशिष्ट पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब एक इंटीजर है, ये कोई रेशनल नंबर या दशमलव में दी हुई संख्याएं नहीं है, ये इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है, इसको कुछ भी ले सकते हैं, कंप्लीट नंबर। अब कह रहा है R उसमें धन धनात्मक भी है और सम पूर्णांक भी है, तो R को आप कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर ले लेना, तो हमने कहा R को हमने प्लस का 2 ले लिया, ठीक है, बोलो आप जो मानो वो ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 0 ले लो, जबकि P और धनात्मक लेना था, 0 नहीं लोगे, ठीक है, 0 न्यूट्रल होता है, जबकि P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक है, P और Q ये धनात्मक तो है लेकिन विषम है, तो सपोज कर लो 1 और 3 इसको ले लिया, P मान लिया 1 हो गया और Q मान लिया 3 हो गया है, ये कलर दिख रहा है ना पेन का, हाँ दिख रहा है लेकिन चेंज कर देते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कह रहा है विषम निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सत्य नहीं हो सकता है, इस बात पर ध्यान देना, सही नहीं होगा,
पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है क्यू ब्रैकेट में पी माइनस आर, तो क्यू मतलब तीन, क्यू मतलब तीन, और पी माइनस आर तो पी का मतलब एक और आर का मतलब जब माइनस करोगे तो दो ही रहेगा। तो भैया अगर इसको हम देखते हैं तो ये माइनस का थ्री आ जाएगा, माइनस का थ्री आ जाएगा, सत्य नहीं हो सकता है इस बात को कह रहा, ध्यान से समझना। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा कह रहा है पी माइनस आर का स्क्वायर, पी एक है, आर क्या है, दो है, तो एक माइनस दो का स्क्वायर ये आ जाएगा अपने पास माइनस का वन, नहीं सॉरी प्लस का वन, ये कह रहा था सम है, ठीक है ध्यान से देखना। तीसरा कह रहा है क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का मतलब नौ, ब्रैकेट में पी माइनस आर, पी माइनस आर का मतलब हो जाएगा माइनस का वन, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का नाइन, और ये इसको क्या कह रहा है, कह रहा है विषम है। चौथा आते हैं आर, आर का मतलब दो, और पी माइनस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, पी वन है क्यू थ्री है तो वन माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस का फोर, इसको कह रहा है सम है। याद रखिएगा आपको ये हमेशा याद रखना, यहां पर एक नई चीज बताने जा रहा हूं, जैसे कि इसमें आया माइनस का थ्री, अब दिमाग में ये आएगा ये माइनस का थ्री है, अगर माइनस थ्री होता तो मैं सिर्फ थ्री होता तो ये मैं आसानी से कह देता कि ये विषम है, लेकिन माइनस लग गया तो क्या कह सकते हैं इसको ये विषम है, बिल्कुल कह सकते हो। ये माइनस थ्री लिखा है, थ्री तो विषम होता है, माइनस उसकी विषमता या समता पर प्रभाव नहीं डालेगा, ये माइनस थ्री का मतलब ये विषम है, इसका मतलब ये कथन जो है ये सही है, हमें गलत ढूंढना था, और गलत ऐसा क्या आ रहा है, गलत जो आ रहा है वो चौथा वाला आ रहा है, कह रहा है ये सम होना चाहिए जबकि ये तो विषम आ रहा है, इसका मतलब अपना जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई है, क्या मेरी ये बात सभी को समझ में, वो कर लो क्या नाम है, नहीं सॉरी बी सम है कह रहा है, ये डी नहीं होगा, कह रहा था बी जो है वो सम है जबकि बी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, बी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो डी नहीं, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है बी होगा। ठीक, जो सत्य नहीं पूछा था वो कौन सा होगा, बी, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सत्य आंसर दिया है सभी ने, ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए हाँ, अब आपको ये बोलेंगे कि रेलवे का मोस्ट फ्रीक्वेंट सवाल है, मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब समझते हैं, फ्रीक्वेंट का मतलब बहुतायतता से पूछा जाने वाला सवाल है, मतलब पेपर उठा के देखिए कोई भी पेपर की एक ना एक शिफ्ट, बल्कि आप ये कह सकते हो हर शिफ्ट में एक इस प्रकार का सवाल जरूर रहता है, आप भी देखो अगर एनालाइज करो तो आपको भी लगेगा कि सर जी सही कह रहे हैं। चलिए इस बात को देखते हैं, ठीक है, एक संख्या को आठ से विभाजित किया जाता तो शेषफल तीन रहता है, उसी संख्या को दो से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, हमें यह बताया गया है सभी को कि जो पहला वाला शेष होता है उसको दूसरी वाली संख्या से हम घटा दें और जो शेषफल बचेगा वही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी आंसर होगा, लेकिन क्यों, ये भी तो जानना, देख लो क्यों, वाई ऐसा होता क्यों है, ये जो मैंने आपको बताया इसका कारण क्या होता है गौर करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या मैंने लिख ली ए, अब इस ए को अगर मैं किससे विभाजित करना हो, आठ से, देखना ध्यान से, अब हो सकता है भाई कि ये जो है एक बार विभाजित हुआ हो, या हो सकता है दो बार विभाजित किया हुआ हो, या हो सकता है तीन बार विभाजित हुआ हो, या हो सकता है कई बार विभाजित हुआ हो, चार पांच छह आठ दस बारह 120 कई बार विभाजित हुआ हो, तो अगर इसी आधार पर मैं लेके चलूं, समझना, मैंने मान लिया कि एक बार विभाजित हुआ होगा, एक बार, समझना ध्यान से, तो आएगा क्या, अब यहां पे कहता है तो शेषफल तीन रहता है ना, शेषफल क्या रहता है, तीन, तो अगर हमारे पास हमारा भाजक है, हमारा भागफल है, शेषफल है, तो क्या हम भाज्य नहीं निकाल पाएंगे, बोले सर निकाल लेंगे, एक का गुणा आठ में करिए, आठ एकम आठ प्लस तीन ग्यारह, अब ये जो संख्या ए आ रही है ना, ये जो संख्या ए आई है ये ग्यारह भी हो सकती है, समझिएगा ये ग्यारह भी हो सकती है, और या फिर इसी 11 में जिस भाग जिससे भाग दे रहे हो इसी को जोड़ते चलो तो अगली संख्या मिल सकती है, दो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे अगर मान लिया होता कि दो बार विभाजित हुआ होता तो 8 दूनी 16 होता, 16 प्लस 3 19 भी हो सकती थी, इसी में 8 और जोड़ दीजिए 27 भी हो सकती थी, 27 में 8 और जोड़ लो 35 भी हो सकती थी, तो ऐसे संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है कई संख्याएं हो सकती हैं,
लेकिन ये जो संख्याएं हमारे पास एआई है, चाहे वो 11 हो चाहे वो 19 हो, किसी को भी आप ले लो, अगर इसको मैं 2 से विभाजन करता हूं तो 2 पंचे 10 यहां भी शेष एक बचेगा और 2 नवा 18 यहां भी शेष एक बचेगा। इसलिए डायरेक्ट इस बात को ऐसे समझा जाता है कि जो पहली बार का शेष होता है इस शेष को दूसरी संख्या से विभाजन की जाने वाली संख्या से विभाजित करके शेषफल निकाल लेते हैं और वही हमारा उत्तर होता है। इसका मेन कारण ये होता है, ठीक है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का जो जवाब होगा, जो आंसर होगा, वो क्या सही जवाब क्या होगा, 1। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए अगला सवाल। अरे वाह यार क्या बात है, लिख लो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल आ गया। सबसे पहले ही पहले लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताएंगे तो बाद में है ही है, लेकिन पहले ये लिख लो कि बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल को। एक ये कुछ सीरीज दी है, कह रहा है को अगर 9 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। सीरीज क्या है, 201, 202, 203, 204, 205, 206 और 260। अगर आप ध्यान से देखो समझो तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है, ध्यान से देखना जरा। 201, इस 201 के बाद लिखा है 202, थोड़ा थोड़ा गैप देके लिखते हैं, फिर लिखा है 203 और ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़कर जाती है 260 तक। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको क्लोज में लिख दोगे तो ऐसे आ जाएगी। और अगर ये सीरीज को 9 से विभाजन किया जाए तो हमसे ये पूछ रहा है, बताओ भैया कि जो हमारा शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा, यही तो पूछा है। देखना ध्यान से, आपको ये पता है, अभी हमने आपको 9 से विभाजकता का नियम बताया था। 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अंकों का जो योग है, 9 से विभाजकता क्या कहती है, 9 से विभाजकता कहती है कि अंकों का जो योग है, अगर ये योग 9 से विभाजित हो जाता है तो दी हुई संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है, ऐसा नियम है। तो मैं ये देखूं कि इसके अंकों का योग क्या होगा, है ना। अब अंकों का योग लिखने के लिए सर आप ये कहोगे कि सर बीच में 204, 205, 206, 207 और ऐसे 259 तक और लिखें, 260 लिखा हुआ है। नहीं, देखना ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आप ये समझो कि अगर मैं ये देखूं कि 201, 202, 203 इस तरीके से अगर चलता रहे तो ये जो पहला वाला 2 है, ये पहला वाला, ये तो सब में होगा। और अगर ये सब में होगा तो ये कितनी बार होगा सर जी, 60 बार होगा। 2 जो है 60 बार होगा और 2 के 60 बार होने का मतलब 120 होगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इन 2 को जोड़ता जाऊं तो ये 2 जो है जुड़ जुड़कर 120 बना देगा, बोलो ठीक है ना। अच्छा, बीच वाले अगर मैं 0 की बात करूं तो ये 0 भी कितनी बार होंगे, बोले सर ये 0 भी 60 बार होंगे। और 0 के 60 बार होने का मतलब इनके अंक जो अंक योग करोगे वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 0 ही होता है, राइट ना। इसके बाद जो अब मेन फंडा है वो ये है कि सर यहां 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है और सो ऑन आखिरी तक जाता है, तो कितने तक जाएगा, बोला सर ये 60 तक जा रहा है। कितने तक जा रहा है, 60 तक, समझो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इतनी बात मेरी समझ में आई, यहां तक की बात सबको समझ में आई, पहले तो ये बता दूं जा रहा है। अब देखो जरा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और ये जाता है जाता है जाता है 60 बार तक। अभी एक हो सकता है आपके मन में एक प्रश्न उठ जाए, उसका भी मैं प्रश्न भी बताऊंगा और उसका उत्तर भी बताऊंगा, ठीक। पहले ये देख लो, तो अगर 1 से 60 बार जा रहा तो इसके अंकों का योग क्या होगा, बोले सर इसके अंकों का योग समांतर श्रेणी से निकाल लेते हैं। बोले कैसे, बोले सर n by 2 और ब्रैकेट में a plus l, यही तो होता है n by 2 ब्रैकेट में a plus l, या फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ऐसे करके तो ये हो जाएगा 60 बटे 30, 2 यानी 30 हो जाएगा और a का मतलब 1 और ये हो जाएगा 61। तो अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो हमें क्या देगा, 0 3 एकम 3 3 छंग 18 1830 दे देगा। और अब अगर मैं सभी का योग करता हूं तो 1830 ये, 0 ये और 120 ये, यानी कि
1830 प्लस 120, बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा अगर जोड़ो तो 1950। यानी कि अगर मैं सभी अंकों को जोड़ लेता हूं तो उसका योग आया 1950। और अंकों का योग देखना क्या था कि अंकों का योग क्या 9 से विभाजित हो रहा है, तो इसको देखते हैं 9 से विभाजित हो रहा है क्या। तो 9 5 14 और 1 15, 15 तो 9 से विभाजित नहीं होता है, तो भैया 9 तो हो जाएगा लेकिन 5 और 1 6 बाकी रह जाएगा, तो जो बाकी रह जाएगा वही क्या होगा, शेष होगा। बोले सर वही क्या होगा, शेष होगा। होगा तो इस सवाल में जो शेष पूछा गया था वो शेष क्या आ जाएगा, वो शेष 6 आ जाएगा। अब आप कमेंट करो फटाफट से कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करो कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। बोले सर सी हो जाएगा क्योंकि सी में ही 6 लिखा था, इसमें नई बात नहीं है। ठीक है, अब जरा समझना जो मैं आपसे कह रहा था कि प्रश्न क्या हो सकता है, उत्तर क्या हो सकता है। आपने कहा सर कि 0 60 बार होगा, सर 209 तक तो बीच में जीरो होगा लेकिन उसके बाद फिर 210 हो जाएगा, फिर 211 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर जीरो कहां रहेंगे। तो हमने कहा अगर उसमें जीरो नहीं होगा तो उसके बाद वाली संख्या, जैसे यहां पर देखना, जैसे यहां पर 209 तक तो तुम्हें समझ में आया कि जीरो होगा, लेकिन 210 में सर यहां जीरो नहीं, यहां एक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है लेकिन यहां तो जीरो हो जाएगा, मैं जीरो काउंट कर रहा था, मैं ये नहीं काउंट कर रहा था कि जीरो बीच में है या किनारे है, मैं जीरो काउंट कर रहा हूं, समझ रहे हो। अब आप कहोगे सर यहां तो 211 हो गया, 210 प्लस 1, 210 में तो जीरो आएगा, 212, 210 प्लस 2, 213, 210 प्लस 3, जीरो तो आएगा ना, बाकी जो बची हुई संख्याएं वो तो हमने यहां काउंट कर ली ना। ठीक है, समझ पाए, बहुत प्यारा सवाल था। आइए इस सवाल को देखो, कोशिश करिएगा बताने की, नहीं आता है इट्स ऑल ओके। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा 25 की पावर 13 है, 26 की पावर 13 है, 27 की पावर 13 है, 28 की पावर भी 13 है, अच्छा जी, और इसको अगर 106 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, समझिए ना। अगर इसको 106 से विभाजित करें, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा, मजा आएगी आपको। जैसे मैंने कहा कि ये एक फॉर्मेट लिखा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, ये एक फॉर्मेट लिखा है, इसमें c की पावर n भी कर सकते हो, d की पावर n भी कर सकते हो, प्लस में आ गए, लेकिन मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं, और यहां पर अगर n का मान जो है एक विषम संख्या है, n का मान क्या है, एक विषम संख्या है, तो ऐसी संख्या जो होगी वो हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगी। बोले कैसे होगी सर, हमने कहा देखो जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान से देखना, तो ऊपर जो क्यूब है जो 3 है ये विषम है कि नहीं है, बोले है सर, और अगर ये विषम, ये क्यूब है विषम, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, बोले सर a प्लस बी बनता है, और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आता है, इसी को तो ये लिखा, और इसमें क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोले सर आ रहा है, और अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पूरी संख्या जो होगी वो ए प्लस बी से विभाजित होगी कि नहीं होगी, बोले होगी सर क्योंकि इससे ये कट जाएगा, होगी कि नहीं होगी, बोले सर होगी। ठीक, तो बात समझे ये क्यों होता है, समझ गए। अब देखो जरा इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जैसे कि 25 की पावर 13 है, 26 की पावर 13 है, इसको एक साथ कर सकते हो, फिर उसके बाद यहां पर लिखा है 27 की पावर 13 और 28 की पावर 13, ठीक है, लिख सकते हैं ना हमें सर, तो इसको a प्लस बी की फॉर्म में अगर करो तो 25 और 26 51, ये हो जाएगा हमेशा किससे विभाजित होगी, a प्लस बी, और आगे और अगर देख लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 28 और 27 से 55 हो जाएगा, और अगर जोड़ोगे तो ये 106 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इनका योग क्या आ रहा है, 106, और जैसे ही ये बोला ना 106 से अगर विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, तो भैया ये तो पता चला कि ये 106 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, और जैसे ही 106 से विभाजित हो जाएगी तो जो शेषफल पूछ रहा था शेषफल वो क्या हो जाएगा, जब पूरा पूरा विभाजन हो जाता है तो शेषफल हमेशा क्या रहता है, जीरो, क्या रहता है, जीरो। ठीक, वेरी गुड,
इतनी बात क्लियर हो गई? बोले हाँ सर। कोई आपत्ति, कोई विपदा, कोई ऐसा तो नहीं? नहीं। इसी में एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, जैसे ये था। अब अगर मैं ये कहता, यहां पर ध्यान से सुनना, अगर ये लिखा होता a की पावर n माइनस बी की पावर n, और यहां पर n जो होता वो एक सम संख्या होती है, यहां पर n क्या होता है, एक सम संख्या होती, तो ये दी हुई संख्या जो है ये a प्लस बी से भी विभाजित होगी और ये तब a माइनस बी से भी विभाजित होगी। क्लियर? दोनों से होगी, राइट? समझ में आई बात? नेक्स्ट आओ, चलिए इस सवाल को देखते हैं, ठीक है? समझते हैं फिर उसके बाद करते हैं, ठीक? क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है सवालों को। कह रहा पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग, किसका? सम संख्याओं का जो योग है वो चार क्रमागत विषम संख्याओं, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या से तीन ज्यादा हो। कहने का मतलब जो सबसे छोटी विषम संख्या है ना, वो सबसे छोटी विषम संख्या से तीन ज्यादा हो। अब आपको क्या करना है, इसमें बताना था कि सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या होगा, और ऑप्शन सी है। आया बढ़िया क्वेश्चन, मजा आई इस पर देख के, मजा आ गई? बोले हाँ सर। अब देखो जरा, पांच क्रमागत सम संख्याएं हैं, कितनी? पांच क्रमागत सम संख्याएं। अब ध्यान से देखना जरा सर, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो, मैंने अगर कहा कि पहली जो विषम संख्या है, सम संख्या वो a है, तो अगली क्या होगी? आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, a प्लस टू, फिर a प्लस फोर, फिर a प्लस सिक्स और फिर a प्लस एट। ये पांच क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका योग, इनका योग क्या होगा? बोले सर 5a, 8 से 14, 4 18, 2 20, 5a प्लस 20, ठीक? ठीक, चार क्रमागत विषम संख्याओं का। विषम संख्या क्या ले ली हमने? b, पहली b, दूसरी b प्लस टू, तीसरी b प्लस फोर, चौथी b प्लस सिक्स। ये चार क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। अब इनका योग क्या होगा? बोले सर 4b, 6, 4, 10, 2, 12, 4b प्लस 12। तो ये जो सम संख्याओं का योग था, ये इन विषम संख्याओं के योग से कितना ज्यादा था? 36 ज्यादा था। तो बराबर करने के लिए हमने 36 इसमें ऐड कर दिया। बोलो ठीक है, अब इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो क्या मिलेगा? 5a माइनस 4b, देखना ध्यान से। और 20 को अगर हम उधर लेके जाएं तो ये हो गया 36 और 12, 48 में से 20 जाएंगे, 28 बचेगा। समझे? बोलो ठीक है। अगर सबसे छोटी सम संख्या मतलब a और सबसे छोटी विषम संख्या मतलब b, तो सबसे छोटी जो सम संख्या है यानी कि a जो है, देखना ध्यान से, सबसे छोटी जो सम संख्या है a, वो b से कितनी ज्यादा है? तीन ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें तीन जोड़ दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो a का मान b प्लस थ्री है, a का मान b प्लस थ्री है, रख लेते हैं पांच। a का मान b प्लस थ्री हमने यहां रख लिया, माइनस फोर बी बराबर में 28। गौर करना मेरे भाई, क्या मिलेगा? 5b में से 4b माइनस हो जाएगा तो सिर्फ b बचेगा, 5 तय 15 प्लस का, जो कि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 बचेगा। b का मान 13 आ गया। अब अगर b का मान 13 आ गया तो सबसे बड़ी विषम संख्या यानी वो तो a में थी, तो a का मान हमें चाहिए होगा, और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या ये थी b, b का मान 13 है तो a का मान 16 हो जाएगा। हो गया, b का मान 13, a का मान 16, इन्हीं दोनों का योग चाहिए था। तो 16 प्लस 13 बताइए कितना होता है, 16 प्लस 13 बताइए कितना होता है, और ये देखो सही आया है या गड़बड़ आया है। ठीक, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही आया है, बाकी आप देखो और बताओ फटाक से। 16 ही आएगा ना, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा ना फिर। अच्छा, सबसे बड़ी विषम संख्या 16 प्लस 8 24 होगी, सबसे बड़ी विषम संख्या यानी कि 16 प्लस 8 24, सबसे बड़ी सम संख्या 24 प्लस 13, 24 प्लस 13 क्या हो जाएगा? 37। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 37। अब मन में सवाल ये उठेगा
अगर सर इतना टाइम पेपर में देंगे तो हमारा तो कलेजा फट जाएगा, इतने समय में पेपर में तो हमारा बंटाधार हो जाएगा। तो बंटाधार ना हो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। बोले सर कैसा दिमाग? हमने कहा दिमाग कैसा नहीं, उसको समझो, केवल दिमाग कैसा नहीं। अगर आप इस बात को समझे कि कैसे दिमाग लगाना है, तो जरा देखो आपने क्या देखा था। आपने ये देखा कि इनका जो योग था वो इतना था, इनका योग इतना था। तो अगर मैं केवल इन संख्याओं के अंतर को छोड़ दूं, तो 20 और 12 का अंतर तो 8 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? कितना आ रहा था? 8 आ रहा था, बोलो हाँ है ना भाई। 8 6 14 4 18 2 20, ये 20 में था योग। ए को छोड़ दीजिए, ए की बात नहीं कर रहा हूं, ये 20 था। और ये कितना था? 6 4 10 2 12, 20 और 12 का अंतर 8 हुआ। बोले हाँ सर हुआ, क्लियर है इतनी बात? बोले यस। अच्छा अब देखना संख्या आती कैसे है। 8 ये हो गया जो अंतर पड़ा। अब ये संख्याएं थी 4, ये संख्याएं थी 5, तो जिनकी संख्या ज्यादा है उसी संख्या को जो डिफरेंस पड़ा उसमें जोड़ दो। 8 वो और ये संख्याएं 5, 8 5 13। अब ये मान किसका आया है? 13। ये मान आया जो संख्याओं में कम थे यानी 4 थी, बी का मान 13, और अंतर आपको दिया ही था 3 ज्यादा 16। मुंह जवानी सवाल था, बस इस मुंह जवानी सवाल को मुंह से करने के लिए, बिना पेन के इतना झंझट पाले बिना करने के लिए आपको क्या है ना कि इस सवाल को कम से कम 5 बार रिवाइज करके देखना होगा और थोड़ा सा विचार करना होगा, तब तो ये सवाल आप मुंह जवानी करोगे। अदरवाइज इसका दूसरा चारा यही है कि आप ऐसे करो, क्योंकि जो पूछा है ना वो ऐसे तो नहीं आएगा। ये आप तभी कर पाओगे जब आप कम से कम अच्छी प्रैक्टिस करो ऐसे सवालों की। कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा, ये बोल देना। वो अगला सवाल देखो, एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है, ठीक है, कम। अब अगर एक संख्या x है, ध्यान से देखना, एक संख्या x है और इसको दूसरी संख्या से विभाजित किया गया जो इससे 3 कम है, तो कर दिया विभाजित। तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है, इसको किसी अन्य संख्या से गुणा किया गया, नहीं पता किससे किया जाए, तो x के मान का 4 गुना है। जो x के मान का कितने गुना है? 4 गुना है। तो अगर x के मान के 4 गुने से गुणा करोगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या लिखोगे? 4x, और यहां पर जो लिखा होगा, जो x के मान का 4 गुना है। तो परिणाम आपको क्या मिलता है? बोले सर परिणाम तो 48 मिलता है, यानी ये बराबर होगा 48 के। बात समझ गए? एक लाइन का था सवाल ये 48। तो आपसे कह रहा था x का मान क्या है। कितना सरल क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन है। अब आप इसमें चाहो तो इस इक्वेशन से सवाल कर लो, नहीं तो इसमें इक्वेशन से सवाल नहीं, ये बाई ऑप्शन सवाल करने वाला है, और मात्र मात्र 15 से 20 सेकंड का सवाल है। बाई ऑप्शन करिए। जैसे पहला ऑप्शन था 12, 12 को आप इससे कितनी 3 से कम करके वाली संख्या से घटाइए। अब ध्यान से देखना, ऐसी अगर संख्या से घटाएंगे तो 12 जो है 9 से विभाजित होगा? नहीं होगा। मतलब 12 छोड़ दो, अभी खत्म करो, 9 को विभाजित करिए किससे? 3 कम 6 से। विभाजित होगा? नहीं होगा, छोड़ दीजिए, खत्म हो गया काम। 18 15 से होगा? नहीं होगा, छोड़ दीजिए। 3 से विभाजित करिए, 2 आ जाएगा। 2 को गुणा करना है 6 चौको 24, दूनी 48 आ गया, संख्या 6 हो गई। सिर्फ 10 से 15 सेकंड में सवाल होगा। बाकी आप अगर सॉल्व ही करना चाहते हो तो कर लो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, बुराई वाली कोई बात नहीं। 12 एक्स स्क्वायर और इधर 12x-36, तो ये बन जाएगा आपका एक द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। और आप अगर इसे देखो तो ये लिखा 0, ये लिखा है x-6 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x का मान 6 वैसे भी आ जाएगा, ठीक। लेकिन क्यों करें हम इसको ऐसे? ये है ना हमारे पास तरीका, समझ कर ही तो करना था भैया। जैसे ये 12 था, अब 12 को अगर हम इससे 3 कम वाली संख्या यानी 9 से विभाजित करते तो क्या ये विभाजन सही हो पाता? बोले नहीं, तो हमने ये ऑप्शन यहीं पे छोड़ दिया। इसी तरीके 9 को देखा, 9/6 विभाजन सही हो पाता? नहीं हो पाता, खत्म। 18 को देखते, 3 कम से 15 से हो पाता विभाजन? नहीं हो पाता, खत्म करिए। 6 को 3 से हो जाता विभाजन, 2 आता। अब ये जो एक्स था जो आया था परिणामी, परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाए जो एक्स के मान का 4 गुना है, एक्स क्या माना? 6, इसका 4 गुना करिए 24, तो रिजल्ट 48 आया कि नहीं आया? इसलिए इसको आंसर लगा दिया खटाक से। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल।
चलिए देखिए, कोशिश करिए बताने की। बहुत बढ़िया सा सवाल ये पूछा गया, बहुत प्यारा सवाल है, मजा आ जाएगी इस सवाल में आप अगर ध्यान से करोगे वाकई में, ठीक है। चलिए, और आपको ये जान के हर्ष होगा कि ये सवाल भी नंबर सिस्टम से संबंधित है लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, ठीक। अब जरा ध्यान से समझना कैसे पूछा वही गया है, क्योंकि 0 से 9 तक की संख्याएं हैं तो कह दिया गया नंबर सिस्टम। आप समझ रहे हो ना, नंबर सिस्टम में कहीं से भी घुमा के प्रश्न को बना के रख दिया जा सकता है, इसलिए चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए, इस बात को बहुत ध्यान देना है, किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। गौरतलब बात यह है, अब इसको कई बच्चे कई तरीकों से करेंगे, जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, बॉक्स वॉक्स बना लेंगे ऐसे वाला कि सर जी 5 अंकों की संख्याएं बनानी है तो हम 5 भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं, सर जी ये 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, और सर ये संख्याएं हमें 0 से 9 तक के अंकों से बनानी है, और ये याद रखना है कोई भी अंक दोबारा रिपीट ना हो, राइट ना। कुछ ऐसे भी करेंगे, अब होगा क्या उसमें कि 0 से 9 तक की संख्याएं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक से जब ये सवाल करोगे तो 5 से 10 सेकंड का होगा अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी, लेकिन पहले समझो क्या कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है, राइट। अब देखना जरा, संख्याएं तो बनाई जा सकती है लेकिन बात यह है कि सबसे पहली संख्या हम क्या रखें, और सर हमें सिर्फ 5 संख्याएं ही रखनी है, 5 अंक ही रखने हैं, 5 अंकों की ही संख्या बनानी है, समस्या इस बात पे थोड़ी सी हो जाती है। तो जब ऐसे हो जाए तो आप इस तरीके को ना यहां अपनाना ना पेपर में अपनाना। बोले सर फिर कौन सा अपनाएं, हमने कहा वो तरीका अपनाओ जो दोनों जगह असरदार हो, चाहे वो सवाल आप पेपर में कर रहे हो चाहे वो सवाल आप घर में कर रहे हो। बोले सर वो तरीका क्या है, तो हमने कहा वही तो बताया मैंने, वही तो होता है NPR यानी PNC का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, NPR से आप इसको फटाक से कर सकते हो। बोले सर NPR क्या होता है, ये तो हमने नहीं सुना, NCR सुना था। हमने कहा वही तो, NPR का मतलब होता है परम्यूटेशन, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, ये होता है। और n यहां पर क्या है, बोले सर जितनी संख्याएं थी यानी n का मान 9 है, ठीक है, तो n की जगह 9 फैक्टोरियल, बटे में क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, और नीचे यानी कि 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 तो क्या बचेगा 4 फैक्टोरियल। अब सवाल खत्म हो जाएगा, तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 और नीचे 4 फैक्टोरियल जब यहां लिखोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताना है उत्तर क्या आएगा, तो जब 9 × 8 × 5 ये लिख लिए तो हमारा उत्तर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ठीक है। इसी को अगर NCR बनाना होता है, इसी को NCR अगर बनाना होता है, ये NPR का मतलब है। अब हमें चाहिए था NCR, यानी कुछ चीजों में कुछ सेलेक्ट करनी है, 9 चीजों में 9 अंकों की पूरी संख्या बनानी है क्या, बोले सर नहीं। हमने कहा फिर, बोले सर 9 अंकों में हमें 5 अंक सेलेक्ट करके संख्याएं बनानी है, तो सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर हुआ। तो हमने कहा जब सिलेक्शन हुआ तो इसमें गुणा भी तो होगा किसी चीज का, बोले हाँ सर होगा गुणा। तो हमने कहा किसका गुणा होगा, बोले सर 9 का। अब समझना, जब इसी में आप n का गुणा कर देते हो, ये बात मैंने इसलिए लिख के दिखा दी ताकि आप समझो कि फैक्टोरियल का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसलिए 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 ऐसा लिख के दिखा दिया। जब इसी में आपने इसका गुणा कर दिया तब ये बन जाता है NCR, क्या बन जाता है NCR। चलो अब जरा देखना क्या आएगी संख्याओं की संख्या, तो भैया ऊपर तो 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 − 4 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि 5 अंकों की संख्या बनानी, कितने अंकों की संख्या बनानी 5, तो 5 कब आएगा जब 9 में से 4 घटा लोगे, और गुणे n का मतलब क्या है, n तो सर वही था 9, ठीक है। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, अगर मान लो मेरे पास ये ना भी होता, ये 9 तो है यानी कि संख्या जो है 9 का गुणज रही होगी, और 9 का गुणज होने का मतलब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता होगा, तो जरा चेक करें किसके अंकों का योग 9 से विभाजन में आ रहा है। चलो पहली संख्या को देखो, किसके अंकों का योग 9 से विभाजन में आ रहा है, पहली संख्या को 7 और 2 9, 6 2 8 1 9, जी हाँ आ रहा है, इसमें देखो आ रहा है क्या,
नौ से विभाजन, 4 2 6, ये 9 तो कट गया, 4 2 6 6 2 8 1 9 ये भी आ रहा है, 6 3 9 8 1 9 ये भी आ रहा है, यानी कि चारों ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें 9 से विभाजन के अंक आ रहे होंगे, इसलिए अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए 5 यहाँ पर 9 × 8 × 7 × 6 × 5, 5 भी क्यों, यहां से 5 फैक्टोरियल का जब यहां करोगे तो 5 फैक्टोरियल बचेगा, बचेगा 9 में से 4 5, तो 5 फैक्टोरियल यहां से खत्म, 9 8 7 6 और गुणे में 9 था, इसका गुणा करना है। अब हमारे पास एक और तरीका है बिना कैलकुलेशन के, सर जी यहां पर 8 भी तो आ रहा है और 8 से विभाजन का अंक क्या होता है कि आखिरी के दो अंक, 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, यह भी विभाजित होता है, 8 7 56 5 बचेगा, ये नहीं होता है, ऑप्शन सी का काम खत्म हो गया, 8 2 16 होता है, 8 1 2 16 8 7 56 ये भी होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, 9 हो गया 8 हो गया, 6 से देख लो जो विभाजित हो, 6 से 6 का मतलब 3 और 2, सबसे 9 से हो रहे तो होगा ही होगा, यानी गुणा करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है, 9 8 72 7 6 42 9, 9 2 18 8 1 9 7 63 और 1 64 गुणे 42, 6 4 24 24 हजार से बड़ा होगा, यानी कि ये ऑप्शन और गया, ये भी गया, बचाइए, बोले सर ये क्यों गया है 24,000 से, तो ये भी बड़ा है, ये 24 हमने सिर्फ इसका इसका गुणा किया तो 24,000, ये तो 24,000 से काफी बड़ा होगा इसलिए छोड़ा। हर एक स्टेप पर कहां तक सोचा जा सकता है गणित इस बात पर निर्भर करती है, अगर हम यहीं पे ये सोच लेते कि अब हमें गुणा करना है तो हम इसका भी गुणा कर रहे होते अभी तक, तो समय कहां से बचाया जा सकता है ये आपके ऊपर भी निर्भर करेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बाप रे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शेषफल बताना है, अगर 1728 की पावर 26 को 202 की पावर 156 माइनस को अगर 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये अलग प्रकार का सवाल है, शेषफल का तो सवाल है लेकिन शेषफल में अभी तक किए गए सवालों में से अलग है, तो कॉन्सेप्ट बाहर नहीं होगा, चलो देखो और जल्दी से कोशिश करो और बताओ फटाफट फटाफट, टाइम ना लगाना, चलें बड़े आगे, देखिए आइए 1728 जो होता है ये 12 का क्यूब होता है कि नहीं होता है, 12 का क्यूब हाँ सर होता है, और 2 की पावर 56 को अगर हम लिखते हैं 1728 12 का क्यूब हो गया, और इसको और कुछ भी लिख सकते हो क्या, पावर सेम कर लेते हैं तो हमारा काम बनेगा, बोले हाँ सर बनेगा। अब देखो जरा ऐसे भी कर सकते हैं, देखना ध्यान से, जैसे ये लिखा है 1728 की पावर 26, ठीक है पहले हम इसी पर दिमाग लगाते हैं, तो ये 16 से तो कट ही रहा ना, 16 1 16 16 8 128 बिल्कुल कट रहा है, 16 7 128, तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 × 107, लिख सकते हो हाँ लिख सकते हो, और पावर में 26, ठीक बोले ठीक है सर, माइनस 2 की पावर 156, अब देखना जरा 2 की पावर 156 को पहले ही हमने लिख दिया 2 की घात 4, सर क्यों लिखा 2 की घात 4, इसलिए लिखा ताकि ये 16 से थोड़ा सा मैच हो जाए, 2 की घात 4, अब ऊपर कितना आएगा 156 था, 4 3 12, 3 बचेगा 4 9 36 39 आ जाएगा, बोलो ठीक है, इतनी बात सब लोग समझ में आए, सभी के समझ में आई इतनी बात कि हमने क्या लिखा है कैसे लिखा, बोलिए देखिए आराम से कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से, ठीक है ना इतना, बोले हाँ सर ठीक है, तो ये जो 2 की घात 4 लिखा हुआ है इसको भी तो 16 लिख सकते हो, बोले हाँ सर लिख सकते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर ध्यान से देख पाओ तो इन दोनों में कॉमन बता सकते हो क्या है, इसमें और उसमें कॉमन क्या है, सर जी बिल्कुल बता सकते हैं, ये कौन सी कठिन बात पूछ रहा, तो जल्दी से कमेंट करो कि कॉमन क्या, जल्दी से कमेंट करो कि कॉमन क्या है, सर जी इसमें तकलीफ वाली कोई दिक्कत है ही नहीं है, बोलो फिर सर जी पावर तो कॉमन दिख नहीं रही तो बचा क्या 16 ही तो कॉमन है, मैंने कहा लो फिर 16 की घात 26 में से 16 कॉमन ले लिया तो 16 की घात 25 यहां बचेगा, बोले हाँ सर बचेगा, और अब ये इसके साथ 107 की घात 26 एज इट इज, मैंने कहा चलो 16 यहां कॉमन ले लिया तो 16 की घात था 39, 16 कॉमन लिए तो ये बचेगा 16 की घात 38, क्या मेरी इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई है या नहीं आई है, देख के बताना, आई है बोले सर आई है,
अब सर इसका मतलब क्या है जो आप ये दुनिया भर का ये कर रहे हो? भैया इसका मतलब ये है कि हमने ये भी देखना था ना कि 16 से विभाजित होगी और हमने कॉमन 16 ले ही लिया है। 16 इसका मतलब ये संख्या कन्फर्म है कि 16 से तो डिवीजन इसका होगा ही होगा, ये कन्फर्म हो गया। और मेरे दोस्त अगर ये 16 से डिवाइड हो गई, इसका डिवीजन 16 से हो गया, तो हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे शेषफल पूछ रहा था। भैया अगर ऊपर भी 16 लिखा हो और नीचे भी 16 लिखा हो तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा? बोले शेषफल सर हमारे पास अंडा आएगा, अंडा मतलब 0। तो वही ये 0 यहां पे भी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसलिए ये दुनिया भर का कैलकुलेशन और आपको सिखाने के लिए इतना किया, नहीं तो हर एक छोटा बच्चा जान रहा था इसमें भी 16 था, इसमें भी 16 था, कॉमन लेते कट जाता, सीधे 0 आता। इतने की जरूरत थी नहीं। ठीक, आओ क्या कह रहा है? अच्छा सा कुछ कह दिया है क्या? कह रहा अपरिमेय संख्या को पहचानिए। किसको पहचानना? अपरिमेय संख्या को। तो क्या आप ये जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है? जानते हो क्या होती है अपरिमेय संख्या? इरेशनल नंबर जिसे कहते हैं। ध्यान से समझना जरा, ये सवाल जो है बहुत गौर तलब वाला सवाल है। जिसने भी इस सवाल को नहीं पढ़ा ढंग से या ऑप्शन नहीं पढ़ा, निश्चित 100% गलत होगा। आया हुआ सवाल है इसलिए बोल रहा हूं। सर जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए जरा, जो अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, मतलब ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में आप ना लिख सको, संख्या जो कि भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जिसको आप फ्रैक्शन में ना लिख सको, भिन्न में ना लिखी जा सके, ठीक है, भिन्न में ना लिखी जा सके, वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। राइट, इतनी बात तो ठीक है। बोले हाँ सर। अब मेरी बात, ये भैया आया हुआ सवाल है, बार बार कह रहा हूं, और इस सवाल का नंबर सभी बच्चों को दिया गया था जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया था। बोले सर क्यों, इतनी देर में तो ऑप्शन देख के तुम बता देते, सर इसके सारे ऑप्शन परिमेय हैं, कोई इसमें अपरिमेय संख्या वाला ऑप्शन है ही नहीं, सबको भिन्न में लिख सकते हो। भैया 8100 लिखा है तो अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 8100 का स्क्वायर रूट 90 आएगा, 90 को 90/1 लिख सकते हो, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हो, तो ये तो परिमेय हो गई, अपरिमेय तो नहीं है। दूसरा 0.45 है तो इसको 45/100 लिख सकते हो, ये भी भिन्न के रूप में लिख गई, ये भी अपरिमेय नहीं है। तीसरा 22/7 ऑलरेडी भिन्न में लिखी हुई है, ये भी अपरिमेय नहीं है। चौथा ये लिखी है तो इसको लिख सकते हो 90/1/90, ऊपर पहुंच जाएगा 8100/1 हो जाएगा, ये भी भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसके सारे ऑप्शन जो है वो परिमेय संख्याओं के हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो अपरिमेय संख्या का हो, इसलिए इस सवाल के नंबर सभी को दिए गए थे। अच्छा होगा क्या, अभी मैं देख पाऊंगा, होगा ये कि कुछ बच्चों के इसमें भी, इस चार ABCD ऑप्शन में भी आंसर आए होंगे, और आए भी हैं है ना, बहुत तुम लोग समझते नहीं हो। चलो अगला देखते हैं, ये क्या कह रहा है। हाँ चलिए भैया, कह रहा है कि एक 3 अंकी संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, ठीक है, किसका गुणज है? 3 का, 3 का। अगर इस सम संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है, ठीक है, अंतिम अंक एक सम संख्या है और तीनों अंकों का योग 12 है, तो संख्या का 25% ज्ञात करिए। बोले सर इस सवाल को दिमाग लगा के किया जा सकता है? दुनिया का ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसको दिमाग लगा के नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर सवाल की शॉर्ट ट्रिक होती, मैं कह सकता हूं कि हर सवाल को दिमाग लगा के कर सकते हो। बोले कैसे? सुनिए, इस सवाल में जो ऑप्शंस दिए हैं ना, आपके पास जो विकल्प दिए हैं वो इस बात के लिए दिए हैं कि जो भी संख्या आप यहां से निकालोगे उस संख्या का जो 25% होगा वो यहां पर लिखा हुआ है, यही तो बात है। और संख्या के अंकों का योग देखो लिखा है 12 होना चाहिए, ठीक। अब आओ जरा दोस्त,
अगर अगर किसी ध्यान से सुनना, अगर किसी संख्या का 25% अगर 87 है तो संख्या क्या होगी? बोले सर इसका चार गुना होगी, 87 का चार गुना होगी तो 320 और 28 कितना हो जाता है? 348 होता है कि नहीं? क्या इसके सभी अंकों का योग 12 है? बोले सर 12 से ज्यादा है। मैंने कहा ये आंसर खत्म हो गया, मजा ही। अगर किसी संख्या का 1/4 वही मतलब 25% 120 है तो वो संख्या क्या होगी? बोले सर 480 होगी। मैंने कहा क्या इसके अंकों का योग 12 है? बोले सर है। आगे बढ़ते हैं, पूरा चेक करना है। तीन अंक की संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, क्या इसमें ये और ये जो है अंक 3 का गुणज है? बोले सर नहीं, मतलब अब खत्म हो गया। अगर किसी संख्या का 25% यानी कि 1/4 भाग 84 है तो संख्या क्या होगी? 4 × 16 एक, 4 × 8 = 32 और 1 = 33, क्या इसके अंकों का योग 12 है? क्या इसके सभी अंक 3 के गुणज है? है। आगे भी, इस सम संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है? बोले सर है। तो इसका मतलब जो संख्या का 25% पूछा गया था वो एग्जैक्टली क्या होगा? बोले सर 84 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और अगर संख्या पूछ लेता तो बोले सर 336 हो जाती। चार में से एक ही ऑप्शन सही होता है जो प्रश्न दिए हुए प्रश्न की सभी स्थितियों को सेटिस्फाइड करता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट चलिए देखिए इस सवाल को और पढ़िए। बड़ा बड़ा मतलब वैसा प्रश्न है, वैसा कठिन नहीं है लेकिन टेक्निकल टाइप का सवाल इसलिए है, इसको मैं मानता हूं टेक्निकल इसलिए कह रहा हूं, जब इस शब्द में ये जो शब्द है ना गणक और भाजक के बीच का अंतर, ये शब्द जो है ये दो शब्द क्या गणक और भाजक तो मतलब आप समझ रहे होंगे, लेकिन जब गणक की बात आ जाएगी तो कई बार बच्चों में ये कंफ्यूजन हो जाएगा, ये क्या होता है, ये तो नई चीज आ गई। वही नई चीज के लिए मैं इस प्रश्न को सिर्फ क्या कह रहा हूं, अच्छा है, ध्यान से देखना, करना कोशिश करो। वैसे इस सवाल को बहुत कठिन बोझ मत बनाना क्योंकि है सरल, तो जब सरल है तो करते हैं। देखिए आप क्या देख पा रहे हो कि ए का मान 0.84181818 करके बार बार लिखा हुआ है, मतलब जो रिपीटेशन हो रहा है वो बार बार 1818118 का हो रहा है। तो हम इसी के ऊपर बार लगाते हैं ना, 0.8418 के ऊपर बार। बोले ठीक है सर। अब गणक और भाजक का मतलब समझना, जब ऐसी संख्या को लिखा जाता है तो क्या करते हैं? बोले सर हम ऐसा करते हैं कि जितने संख्याओं पर बार लगा होता है उतनी बार 9 नीचे लिखते हैं और जितने पर नहीं लिखा होता उसमें 0 नीचे लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर सर जो पूरी संख्या दी होती है हमारे पास, जैसे लिखा है 8418, जो ये पूरी संख्या लिखी है इस संख्या में हम उसको घटाते हैं जिसमें बार नहीं लगा होता, मतलब 84 को। समझ पा रहे हो? घटाइए 8 में से 4 4, 11 में से 8 3 3 8, बटे में 9900। अब इसमें गणक क्या है भाजक क्या है? भैया जो ऊपर जिसमें भाग दिया जाता है वो है गणक, मतलब कि ये जो संख्या लिखी है ये है गणक, इसको आप भाज्य भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? भाज्य। और जिससे भाग दिया जा रहा है ये तो सब लोग जानते हैं डिवाइजर यानी कि भाजक, ये तो बड़ा सरल है। ऊपर लिखा था क्या, एटलीस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम ए बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड द डिवाइजर। डिनोमिनेटर एंड द डिवाइजर नहीं होगा यहां पर, न्यूमरेटर और डिवाइजर होगा। ठीक है चलो खैर कोई बात नहीं। अब इसको अगर आप छोटा कर सकते हो तो कर लो और अच्छा है। करें छोटा? बोले हाँ सर कर लीजिए। तो भाई 2 से काटोगे, 2 × 8 इधर लिखता हूं, 2 × 8 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12 2 × 7 = 14 2 से इसको काट लेते हैं, 2 × 8 2 × 9 = 18 2 × 5 = 10 0 ये आ गया। और कटेगा? अगर कट जाए जितना ये मिनिमाइज हो जाए, जिसको जितना ये मिनिमाइज हो जाए उतना मिनिमाइज करके दोनों का अंतर ले लेना, वही आंसर होगा। मिनिमाइज करो कितना कर सकते हो जल्दी से,
मिनिमाइज करिए, कितना कर सकते हैं आप? 5 से और कट जाएगा क्या? 9 से काट दें, 7 6 13 4 17 17 1 18 9 से कट जाएगा, ठीक है 9 से काटते हैं तो 9 चौको 36, 5 बचेगा 56 हो जाएगा, 9 5 45, 9 6 54 और 54 और 2 बचेगा 9 23 27, बटे में 9 से नीचे काटो, 9 5 45 9 5 45, यानी कि 463 और 550। अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करता हूं तो इन दोनों का अंतर आएगा 87 और यही आपका जवाब हो जाएगा 87, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है, राइट। शेष के सवालों पर एक अगला कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सवाल के माध्यम से, ठीक है। प्लस 3 को अगर हम 103 से डिवाइड करें तो शेष क्या बचेगा? अब ध्यान से समझना, शेषफल का ही क्वेश्चन है लेकिन इस शेषफल के क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा सर? कहने का इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 102 प्लस 3 को अगर हम किससे डिवाइड करें, 103 से डिवाइड करें तो शेष क्या आएगा? अब जरा ध्यान से देखना, आया हुआ क्वेश्चन है और इस आए हुए क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शंस है ना, इस ऑप्शन में आपका आंसर क्या आने वाला है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन ये आया था इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो हमने अभी क्या बताया था, मैंने भी बोला था कि ऊपर जो पावर वाला टर्म होता है उसको ऐसा कन्वर्ट करते हैं कि वो इससे कटने के बाद या तो पूरा कटे या तो इसके आसपास हो जाए। तो ऐसा क्या करें कि इसके आसपास हो जाए? तो मैंने कहा भाई इसको हम ऐसा लिखते हैं, जैसे ये 3 की पावर 10 ये था, तो अगर मैं इसको 3 की पावर क्या लिख दूं, 6 और 17 छक्का 102 और ऊपर लिख दूं 17 और प्लस 3 को अगर मुझे 103 से डिवाइड करना है तो उत्तर क्या मिलेगा देखते चलिएगा। बहुत सुंदर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब अगर 3 की पावर 6 लिखा हुआ है समझना, तो 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729 729, और ऊपर पावर कितनी है भाई 17। एक तो बात कंफर्म हो गई प्लस 3, एक एक स्टेप बता रहा हूं मेरे भाई, कोई भी स्टेप मैं मिस नहीं कर रहा हूं यहां पे ताकि आपको समझ में कोई फेर ना बने। 103 राइट, मैं अगर 103 से 729 को विभाजित करूं तो क्या बनेगा? 103 × 7 अगर करेंगे तो 721 आएगा और हम देख पाएंगे यहां पर शेषफल बचेगा 8 राइट। अब ये बन गया 8 की पावर कितना 17, देखते चलिएगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये प्रयास किया कि मैं 3 को 103 से डिवाइड करूं, 3 को अगर मैं 103 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास शेषफल क्या होगा, कौन बताएगा जल्दी से बताओ? अगर मैं 3 को 103 से डिवाइड करूं तो हमारे पास शेषफल क्या बनेगा? बहुत छोटी सी बात मैंने पूछी है, जल्दी से बताओ। बोले सर 103 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल बनेगा वो क्या बन सकता है? सर 103 से तो 3 डिवाइड ही नहीं होगा फिर। अब जब 103 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो ये दो बातें हो सकती हैं यहां पर, कि जैसे हमने 103 को 103 से विभाजित किया तो अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो हमारे पास शेषफल प्लस का 3 बना रहा, या अगर जबरदस्ती इसको एक बार डिवाइड कर दिया तो अपना जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 100 आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी बातें बताऊंगा कि जो शेषफल हो सकते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, सुविधा के अनुसार, सोल्यूशन को सरल करने के लिए हम इसमें से चीजें ले सकते हैं, ठीक। अब अगर मान लो इस पर लिया गया, यहां पर मैंने ले लिया माइनस का 100 माइनस वाला, और अभी भी हमें बाकी है कि 103 को तो हमें विभाजित करना ही है क्योंकि 8 की पावर जो 17 है वो काफी बड़ी होगी। अब ध्यान से सुनना, अगर सिर्फ 8 को 103 से डिवाइड किया जाए तो माइनस में क्या आएगा? माइनस में 8 को 103 से अगर मैं विभाजित करूं तो क्या मिलेगा? बोले सर 8 5 13, यानी कि माइनस का 95, और माइनस का 100 पहले से, बटे में 103। बताइए क्या बना माइनस 95 और माइनस 100, ये क्या बनाएगा? बोले सर माइनस 95 और माइनस 100 जो बनाएगा वो क्या बना देगा? ये सर ये तो बना देगा माइनस का 195।
अब क्या शेषफल कभी माइनस में हो सकता है? बोले सर नहीं हो सकता है। समझना ध्यान से, सवाल आया हुआ है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर अगर देखोगे तो आपको ये चीजें पता चलेंगी। माइनस के 195, माइनस के 195। अब जब कभी भी यहां पर जो चीज होती है अगर वो नेगेटिव आ गई तो क्या करते हैं, अगर वो नेगेटिव आ गई तो उसे जिससे भाग दिया जा रहा था उसमें से उसमें जोड़ देते थे। लेकिन अगर हम इसमें जोड़ेंगे भी तो भी हमारा जो उत्तर होगा वो इन ऑप्शन में से कुछ नहीं बनेगा, इन ऑप्शंस में से कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए इस सवाल का जो उत्तर है वो दिए हुए ऑप्शंस में से कुछ नहीं होगा। और अगर ढंग से देखा जाए तो इसका उत्तर कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि माइनस 195 के आसपास आ रहा है और रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होगा। ठीक, तो आप इस प्रश्न को जब वहां पे करोगे तो क्या बोलोगे? अगर सपोज यही प्रश्न आ जाता और यही ऑप्शन आ जाते तो आप इसको क्या करते हैं भैया, छोड़ देते। लेकिन ये छोड़ आप तभी पाते जब आप इसको पूरा कर लेते और तब आप ये कहते हैं कि सर ये प्रश्न दिए हुए ऑप्शन के अनुसार गड़बड़ है। ठीक है, समझ पाए ना मेरी बात? ओके, चलिए। तो मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूं कि अगर प्रश्न ऐसा आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है सवालों में भी, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 56 की पावर आपके पास लिखा हुआ है 283। कह रहा इसके अंतिम दो अंक क्या होंगे, इसमें से बताना। बहुत सरल प्रश्न है, अगर दिमाग लगाओगे तो सवाल का उत्तर बड़ा आ जाएगा अच्छे से। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये पूछता कि ये जो सवाल है इसका यूनिट डिजिट क्या आता, यानी इकाई अंक क्या होता, तो आप ये कहते ना? अगर हम ये पूछते कि इसका इकाई अंक क्या आता तो आप ये पूछते सर आधार संख्या के इकाई में 6 लिखा है तो इसका इकाई अंक तो 6 होगा, ये तो बात पक्की है। और सारे ऑप्शन में इकाई में 6 लिखा है, यानी इससे आपका उत्तर नहीं मिलने वाला है। अब बोले सर, तो मैंने कहा भैया इसको ऐसा करो कि इसकी जो पावर है ना उसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखने की कोशिश करो। बोले सर कैसे ब्रेक करें? हमने कहा देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते थे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा लेकिन सब्र रखना होगा, वही चीज है। 7 चौको 28, 280 प्लस 3। ठीक, अब आपको केवल चाहिए इकाई का अंक और दाही का अंक, यानी आखिरी के दो अंक चाहिए, और आखिरी के दो अंक आपको 6 से मिल जाएंगे जो कि शेष पावर में रहेगा। और 6 की पावर 3 क्या बनता है? 6×36 216। तो आखिरी के दो अंक क्या क्या होंगे? बोले सर 1 और 6 होगा। इसी प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या जो आप सब्सक्रिप्शन लोगे जो कि दीपावली की रात तक अनाउंस किया गया है, उनमें पढ़ाए जाएंगे सारे की सारी चीजें। कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आपको ऐसा लगे कि हमारे पेपर में आ सकता था और सर ने नहीं पढ़ाया। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सब कुछ पढ़ाऊंगा उसमें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उसमें आपको सब्सक्रिप्शन में जो है अनाउंस किया गया था उसमें मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल क्योंकि यहां पर समय की अभाव रहता है और चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो इसके आखिरी दो अंक क्या होंगे? 16। देखो भाई अगला सवाल आ चुका है, पढ़िएगा ध्यान से बताइएगा और उत्तर देने की कोशिश करिएगा। कह रहा है एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर एक दर्जन का 20 गुना है, ठीक है, और पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के एक तिहाई के बराबर है, ठीक है। यदि नहीं लिखा है, यानी कि ऐसे ही कह रहा है किसी 5 अंकीय संख्या का जो 10वां अंश है। अच्छा, 5 अंकीय संख्या ज्ञात करें। अब समझो कितना बेहतरीन प्रश्न, हमें यह दिखा कि जैसे ही, अच्छा ये चीज बोली गई, जैसे कि 5 अंकीय संख्या, मैं अपने दिमाग को बता रहा हूं, मैं क्या कैसे सोचता हूं। जैसे ही बोला गया कि 5 अंकीय संख्या ज्ञात करिए तो मेरा जो दिमाग है सबसे पहले ऑप्शन की तरफ दौड़ता है, मैं ये देख पाऊं उसमें कि क्या 5 अंक से कम या 5 अंक से ज्यादा भी कोई संख्या लिखी हुई है ऑप्शन में। तो भैया ये दिखाई दिया कि सारी की सारी अंक संख्याएं 5 अंक के लिखी हुई हैं। चलो ये अच्छी बात है, अगर इसको बाई ऑप्शन आप करते हो तो ये आपके लिए सो फॉर सो गुड होगा, क्योंकि ऑप्शन से ये जल्दी भी होगा और आपके प्रश्न को गलत करने की संभावनाएं भी बड़ी कम हो जाएंगी। बोले सर कैसे? मैंने कहा देखो सपोज कर लीजिए पहली 5 अंक की संख्या हमने ले ली ऑप्शन के लिए 21,000। किसी 5 अंक की संख्या, अब उल्टे सवाल में आना, 5 अंक की संख्या का 10वां अंश, अगर इसका 10वां हिस्सा करोगे तो वो क्या आएगा? 2100। 10वां अंश आ गया। अब क्या कह रहा था? पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के एक तिहाई के बराबर है,
एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है, समझना, एक संख्या ऐसी है जो कि दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर एक दर्जन का 20 गुना है। एक संख्या हमने ले ली ए और जो दूसरी संख्या थी वो ले ली बी और सी। एक संख्या दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर यानी इसका और इसका जो अंतर है वो किसके बराबर है। तो अगर हम अंतर की बात करें जिसका अंतर जो है वो एक दर्जन का 20 गुना यानी कि इसके बराबर है। एक दर्जन में 12 चीजें और 12 का 20 गुना है, इसके बराबर की बात कर रहा है। तो भाई 12 का 20 गुना कर लिया, बहुत साधारण सी बात थी ये, इसको हमने देख लिया। बोले ठीक है सर। अब बोले क्या, पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के एक तिहाई के बराबर है। इस लाइन को, पहली जो दो लाइनें हैं, सवाल बहुत प्यारा है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आप अगर ऑप्शन से नहीं भी करोगे, बिना ऑप्शन के ही बताते हैं, अगर आप ऑप्शन से नहीं भी करोगे तो भी आपका काम बनेगा, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको चीजें बेहतर से और समझ में आ जाए। एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है, ठीक है, मान लीजिए दो संख्याएं हो गई x और y, दो संख्याओं का योग हमने मान लिया, तीसरी संख्या कोई z है, जिनका अंतर एक दर्जन का 20 गुना है। अब ये जो बात है समझने की कि ये किसके अंतर की बात कर रहा है, इन दोनों के अंतर की बात कर रहा है या इसके और इसके अंतर की बात कर रहा है। तो भैया दो जो दो संख्याओं का योग है ये उसी के अंतर की बात कर रहा है, उसी के अंतर की बात करने का मतलब ये x और y के अंतर की बात कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इनका जो अंतर है ये x माइनस वाई जो है वो एक दर्जन का 20 गुना है यानी कि 12 का 20 गुना हो गया, राइट। कोई दिक्कत, इतनी बातें दिख रही, सवाल दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो अब क्या कह रहा है, समझने वाली बात है, अंतर का 20 गुना है। कह रहा है पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के एक तिहाई के बराबर, पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के एक तिहाई के बराबर है, यानी x बटे वाई जो है वो क्या आ जाएगा, x बटे वाई आ जाएगा 2/3, यानी कि y बड़ा है x छोटा है। तो अगर y बड़ा है x छोटा है तो इसको आप, ये बात तभी पता चलेगी जब आप इसको लिख लोगे, तो यहां पर आ जाएगा y माइनस एक्स, राइट। अब बताओ मेरे दोस्त, x और y आ चुके हैं, y माइनस एक्स का मान 12/20 है, ठीक है, कितना है 12/20। अब आपसे क्या कह रहा था, ये लिख लिया किसी पांच अंक की संख्या का दसवां अंश है, पांच अंक की संख्या होगी उसमें से कोई देखनी जाएगी उसका दसवां अंश है। तो अब भैया हमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ इसको सॉल्व ही तो करना रह गया कि ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y बराबर में शून्य, और एक एक्स वाई की इक्वेशन ये है, एक एक्स वाई की इक्वेशन ये है, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो। अदरवाइज इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई का मान जो होगा वो 240 प्लस एक्स होगा, रख लो वाई का मान 240 प्लस एक्स। यहां से क्या मिलेगा, गौर करना, यहां से क्या मिलेगा 3x, y का मान रखते हैं 240 प्लस एक्स। एक एक लाइन मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं मेरे भाई ताकि आपको कंफ्यूजन का जैसा कोई बात ना रहे, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, देखो 2x इस 3x में से घट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और 240 दूनी 480 यानी x का मान 480, x का मान 480, तो y का मान क्या आ जाएगा, बोले सर यहां रख देते हैं 240 प्लस 480, बताइए 8 4 और 2 6 और 8 4 12 यानी कि 720, y का मान 720 आ गया, x का मान 480 आ गया। अब आपसे कह रहा था कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो z आएगा, और वो z किसी संख्या का दसवां अंश है, इनको जोड़ते हैं पहले, तो 7 4 11 ये हो गया 1100 और 80 और 20 100 ये हो गया, तो 1200 हो गया, कितना हो गया 1200, यानी जेड का मान हो गया 1200। और अगर जेड का मान 1200 है और ये किसी भी पांच अंक की संख्या का दसवां अंश है, तो पांच अंक की संख्या जो होगी इसका 10 गुना होगी, तो 1200 का 10 गुना क्या होता है 12000। तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 12000। बोलिए ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत प्यारा सवाल है। मैं फिर से आपको एक बार दोहरा देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर। अभाज्य का मतलब, देखो इसका अंतर समझ लीजिए दोनों का, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है,
अभाज्य संख्या क्या होती कौन बताएगा? अभी तो मैंने आपको सह अभाज्य भी बताया है और अभाज्य भी बताया, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है बोलो फटाक से। जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, एक वन और दूसरा वो संख्या खुद। वो संख्या क्या होती जो अपने सिवा किसी और से ना कटे, यानी अपने और एक के सिवा किसी और संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर मतलब जो अपने अपने से तो कटे, एक से भी कटे, इसके अलावा भी और किसी से कटे है, वो संख्या होती है भाज्य संख्या। तो आपको ये बताना है कि इसमें से जो भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं होने का मतलब आपको अल्टीमेटली ढूंढना इसमें अभाज्य संख्या है। क्या ढूंढना है आपको? अभाज्य संख्या ही ढूंढनी है इन चारों ऑप्शंस में। तो पहला ऑप्शन क्या है भैया? 133। बताइए 133 जो है वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? जल्दी से बताओ। 17 नवैया कितना होता है? बोले सर 17 नवैया तो 153 होता है। तो हमने कहा ये 19 से कटता है या नहीं कटता है? इतनी सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 19 से कटता है या नहीं कटता है? जल्दी से बताओ 133 19 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है? फटाक से आंसर दो। आता हो तो बोलो, ना आता हो तो बोलो, आगे बढ़ेंगे फिर हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है। 133 बोले सर आता तो है। अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो पहाड़ा नहीं आता है, तो 19 का नहीं आता है, मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 19 का पहाड़ा नहीं आता होगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, 7 का आता है। अल्टीमेटली बात वही हो जाती है, लेकिन देखो 7 × 7 6 बचेगा, 7 × 9 = 63। तो 19 × 7 कितना होता भैया? 133। मतलब कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है। 433 की बात करते हैं। अगर आपको आता नहीं तो तरीका अभाज्य संख्या निकालने का दूसरा भी होता है, 433। इसके क्या तरीका होता है उसको भी मैं बता रहा हूं, समझना। इसके पास में जो स्क्वायर बन सकता है उसको चेक करो, इसके पास का जो स्क्वायर होगा क्या हो सकता है इसके पास का स्क्वायर? जैसे 441, 433 के पास का स्क्वायर होता है, यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो इसके पास का स्क्वायर होगा 21 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है? 441 होता है। अब मुझे बताओ 1 से लेकर 21 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? मैं आपको बता रहा हूं कि अभाज्य संख्याएं निकालते कैसे। 1 से लेकर 21 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 2 होगी 3 होगी 5 होगी 7 होगी 11 होगी 13 होगी 17 होगी 19 होगी 21 अभाज्य नहीं होती है। अब आपको ये चेक करना है क्या ये सभी से कटता है? 2 से कट सकता है? बोले नहीं। बोले 3 से 3 3 6 4 10 नहीं, 5 से नहीं, 7 से 7 6 42 नहीं, 11 से सवाल नहीं उठता, 13 3 39 नहीं, 17 2 34 34 34 34 बचेगा कितना? 6 इधर 3 इधर 9 नहीं, 19 से बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब अगर ये इन सभी संख्याओं से नहीं कट रहा है तो आप ये कंफर्म कह सकते हो कि ये अभाज्य संख्या है। आपको अभाज्य संख्या निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया, ये अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बाकी आगे को चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही आंसर था, एक ही आंसर हमको मिल गया। क्लियर है? अभाज्य संख्या कैसे निकालोगे? समझ पाए ना सभी लोग? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे बोलो। जैसे मान लीजिए हमें पता करना था 17, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? इसके लिए एक और देख लो प्रश्न इसी में। तो आपको क्या करना है, इसके पास का स्क्वायर देखिए कि कौन सी संख्या का स्क्वायर इसके पास में। तो आपने कहा इसके पास का स्क्वायर सर 16 होता है, और 16 का मतलब 4 का वर्ग। अब आपको करना है कि 4 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लो, 4 तक की। तो 4 तक की अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 और 3। अब आप ये चेक करो कि 2 से 17 कटता है, तो आप कहोगे नहीं कटता है। मैं कहूंगा 3 से 17 कटता है, आप कहोगे नहीं कटता है। तो यहां तक कि अगर अभाज्य संख्याओं से ये संख्या नहीं कट रही, तो आप ये कंफर्म कह सकते हो कि ये एक कैसा नंबर होगा? ये एक प्राइम नंबर होगा, यानी अभाज्य संख्या होगी। राइट? समझ आया अभी? कोई डाउट तो नहीं? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? आपको ये बताना है इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक, तो कुछ नियम होते हैं इसके लिए, उनको हम समझ लेते हैं। नियम जो पहला होता है, अगर किसी वर्ग संख्या को देखना होता है तो किसी भी वर्ग संख्या में जो इकाई अंक होता है, किसी भी वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है, ध्यान से समझना,
वो यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 या 8 ये नहीं हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं। किसी भी वर्ग संख्या में इकाई का अंक ये 4 अंक कभी नहीं हो सकता। और इन 4 अंक को छोड़कर 0, 1, 5, 6, 4, 9 ये हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब सर यहां तो 5 है तो अब इसको जरा चेक करते हैं कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग संख्या नहीं। देखो पहला लिखा है 1225, अब देखना है किसका वर्ग है। 25 का वर्ग मूल अगर 5 ये आ गया, अब उसके बाद ये जो संख्या है ध्यान से देखिएगा, ये जो संख्या है इसको कैसे देखें कि वर्ग संख्या है या नहीं, 3 और 4 लिखोगे तो ये आ जाएगा। तो भैया छोटी संख्या लेते हैं, 35 का वर्ग होता है 1225, यानी कि ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा था 20, 25, इसके लिए तो 5, और इसके लिए ये हमें जब देखना होता है तो ये वाला जो संख्या का जोड़ा होता है ये हमेशा हमेशा क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए, तभी कोई संख्या इस स्थिति में वर्ग संख्या कहलाएगी। तो 4 और 1, 5, भैया ये भी वर्ग संख्या है, ये किसका वर्ग होता है, ये सर 45 का वर्ग होता है, इसमें 5 आना है, इधर से हमेशा छोटी संख्या का चुनाव करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 25, 25 में 25 का तो वर्गमूल मान लीजिए 5 आ गया, लेकिन ये 25 जो है इसमें हमने क्या बताया, किसी भी प्राकृतिक संख्या और ठीक उसके आगे वाली संख्या का गुणनफल होना चाहिए, यहां पे तो ये 5 का ही है, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब जो वर्ग संख्या इसमें नहीं है वो कौन सी है जो वर्ग संख्या नहीं है, बोले सर सी है, जो कि वर्ग संख्या नहीं है, बाकी चारों वर्ग संख्या है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। 49 की पावर 15 -1, ठीक है, समझना। ऑप्शन में 2 बार 18 लिखा है, चलो कोई बात नहीं, 49 की पावर 15 -1, ठीक। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करेगा, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, कॉन्सेप्ट है यहां पर। जैसे ये लिखा है 49 की पावर 15 लिखा रहने देते हैं, लेकिन अगर मैं 1 की पावर में 15 लगा दूं तो क्या इसकी 1 की सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। 1 की पावर सर 15, क्या 15 लाख लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्मेट है ना ये कुछ इस प्रकार का बन गया, a की पावर n + b की पावर n, और भाई साहब इस जगह पर n जो है वो एक विषम संख्या के रूप में आपको दिख रहा है, एक ऑड नंबर के रूप में आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो जब स्थिति ये आती है कि a की पावर n - b की पावर n, जहां पर n जो है वो अगर एक विषम संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या होती है ये हमेशा a - b से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? a - b से। तो a - b से विभाजित होने का मतलब यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 49 मतलब a और 1 मतलब b, तो माइनस बीच में लगा देंगे तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, बोले सर 48 से। तो यहां पर 48 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सही जवाब क्या होगा, 48। तो जो 18 लिखा था हो सकता है टाइपिस्ट से 48 की जगह 18 लिख गया हो, तो सही जवाब मेरे दोस्त क्या होगा, अगर यहां पर 48 लिखा होता तो सही जवाब क्या होता, 48 जो होता वो करेक्ट आंसर होता, बोलिए स्पष्ट है। अच्छा, इस बात का ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको आप नोट कर लेना, हालांकि मैं पिछली बार अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, लेकिन फिर भी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए ये सवाल पढ़िए, बहुत सुंदर सा सवाल है, उम्मीद करते हैं आप पढ़ोगे तो आपका अच्छा सा जो है दिमाग चलेगा, ठीक है। चलो 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 पढ़ो, देखो 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है, अरे वाह, तो 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिलीमीटर होगा, वाह 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 वाह। अब जानते हो ये सवाल है तो 2 लाइन का और 2 कौड़ी का, लेकिन इस 2 कौड़ी के सवाल ने आपको परेशान कर देना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि 1 लीटर जो होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अगर आप ये जानते हो या 1 लीटर में कितना चीज होती है, अगर ये नहीं जानते हो तो भाई दिक्कत आएगी। बोले सर क्यों आएगी दिक्कत, हमने कहा भैया इसलिए आएगी क्योंकि 1 लीटर पानी का भार यहाँ पर बोल दिया है 1 किलोग्राम है, मतलब 1 लीटर में जितने भी सेंटीमीटर
क्यूब होते हैं वो 1 किलोग्राम के बराबर है, ठीक समझो। तो पहले तो यही आपको बता देते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक, क्योंकि लीटर जो होता है वो हमेशा किसी न किसी चीज को भरेगा, और जब चीज भरी जाती है तो वो आयतन होता है, इसीलिए हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्यूब होती है, ठीक है समझ गए। तो 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोलो, अब इस 1 लीटर का मान 1 किलोग्राम था, तो आप ये कह सकते हो कि 1 किलोग्राम को हम लोग 1000 सेमी क्यूब लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा दोस्त, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिलीमीटर, यानी सेंटीमीटर को अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो दोस्त 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बोले सर 1 सेंटीमीटर में तो 10 ही मिलीमीटर होते हैं, 10 ही मिलीमीटर होते हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन सर यहां पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो 1000 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, बोलो। बोले सर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, इसका मतलब यहां पर अगर मैं इसको मिलीमीटर में बदलूं, आपसे ये कहूं कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीमीटर होंगे, कितने मिलीमीटर क्यूब होगा, तो आपका जवाब क्या होगा जल्दी से बताओ, 1 किलोग्राम में कितने मिलीमीटर क्यूब होगा जल्दी से बताओ। एक नहीं, सिर्फ हमें अच्छा ये बताओ कि 1 के बाद कितने जीरो लगेंगे, बोले सर 3 तो पहले से लगे थे, क्यूब है तो 3 और बढ़ जाएंगे, नई बात पूछो ना। तो भैया 6 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इतने मिलीमीटर क्यूब होंगे 1 किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बोले सर 1000 ग्राम, समझ पा रहे हो, बोले सर हाँ ठीक है। तो 1 किलोग्राम को हमने लिख दिया 1000 ग्राम बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलीमीटर क्यूब। एक एक पॉइंट में आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि कुछ भी छूटने ना पाए, ठीक समझ पाए। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम को लिख दिया। अब भैया बोले सर तो 1 ग्राम की कीमत कितनी आ जाएगी, बोले सर 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 1 ग्राम की कीमत कितनी आ जाएगी, बोले सर 1 ग्राम की कीमत जो है वो 3 जीरो से 3 जीरो का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब। अच्छा क्या है ना कि सवाल को हम डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकते थे, कहां से, हम डायरेक्ट यहां से शुरू कर देते सवाल को, लेकिन जब शुरू कर देते और आगे बढ़ते फिर कुछ बच्चों का होना होता कि सर वो पीछे वाला छूट गया, इसलिए शुरुआत से समझाते हुए लाए। भैया अब आपसे सिर्फ ये पूछा है 0.1 ग्राम पानी का भार कितने घन मिलीमीटर होगा, 1 ग्राम का इतना या 0.1 लगना है, बता दो फटाक से। बहुत देखो, ऑप्शन देखो शायद समझ में आ जाए, ऑप्शन देखो, 0.1 अगर यहां लग गया तो यहां से 1 जीरो और खत्म हो जाएगा, 1 जीरो खत्म हो जाएगा तो ये 100 बचेगा, तो 100 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट है, मजा ही सवाल में। सिर्फ ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी थी कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कभी कभी जब हम लोग कोण पढ़ रहे होते हैं, यानी कि शंकु पढ़ रहे होते हैं, तो शंकु में भी इस प्रकार का सवाल बनता है, शंकु में भी बन सकता है, बेलन में भी बन सकता है, और उसमें भी ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त जो संख्या है वो मूल संख्या से 396 अधिक है। देखो क्या उल्टा करना है, 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर, संख्या उल्टा करने का मतलब ऐसी संख्या उसको ऐसी नहीं करना है, संख्या उल्टा करने का मतलब होता है संख्या के अंकों को पलट देना, बीच वाला तो बीच में ही रहता है, पहला तीसरे पे आ जाता है, तीसरा पहले पे आ जाता है, ठीक। मूल संख्या से 396 अधिक होती है, 10वें स्थान का अंक 2 है। अब लो 10वें स्थान का अंक अगर 2 है, और ये बात अगर हम ऑप्शन से चेक करना चाहें तो हमें सभी में दिख रहा है कि 10वें स्थान का अंक 2 है, सब में दिख रहा है, दिख रहा है। समय स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। अब सवाल देखो भैया, समय स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से आधा है, तो क्या इसमें यह बात थी, बोले नहीं थी, इसमें यह बात थी, थी सर, इसमें यह बात थी, नहीं थी,
इसमें ये बात थी, बोले थी सर। याद ये रखना है मूल संख्या से 396 ज्यादा भी है अगर हम अंक पलट देते हैं। तो अगर मैं 326 को लेता हूं और इसके अंकों को पलट दूं तो ये बन जाएगा 623। सिर्फ ये देखना है क्या इन दोनों का अंतर 396 है, सिर्फ इतना सा। 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेगा, तो इसका मतलब 396 तो नहीं है, 428 देखते हैं। अंक पलटा, 824, अंतर निकालिए, 14 में से 8 6, बिल्कुल सही जवाब। तो आंसर क्या हो गया, डी। ठीक, अब इसमें आपको एक्स वाई जेड करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, अगर समय बचाना चाहते हो तो। ठीक है, स्पष्ट है इतनी बात। ठीक, अगले सवाल पर भी हम चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को हम लोग देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है आपका सवाल नंबर नेक्स्ट, देख पा रहे हैं। अब इस सवाल में खास बात क्या है, इस सवाल में खास बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जब इसे प्यार से पढ़ेंगे तो ये खास हो जाएगा। और खास बात ये भी है कि यहाँ पे कह दिया एक अंक क्या है, एक अंक 8 है। समझिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन मेरे द्वारा लाए हुए प्यारे होते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली मैं भी एक बहुत प्यारा सा इंसान हूं, कभी कभी गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं तो बात अलग की है। ठीक है, 1 से 100 के मध्य कितनी राशियां हैं जो 8 से पूर्णता विभाजित की जाएंगी। यहां तक के सवाल से आप लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, इस सवाल को आपने तमाम दफे किया होगा, लेकिन जब इसमें यह कह दिया कि उन राशियों में एक अंक 8 भी हो, जैसे ही ये लाइन दिखी होती है तो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों ही बढ़ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया ध्यान से सुनना, 1 से 100 तक में संख्याएं लेनी है जो कि 8 से विभाजित हो, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, अगर 8 का पहाड़ा भी आता है तो भी काम बनेगा, और उसमें एक अंक 8 हो, ऐसी संख्याओं की संख्या बतानी। तो मैं पहले आपको यह बता देता हूं कि 1 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी जो कि 8 से विभाजित होंगी। तो इसके लिए तरीका क्या है, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। पहली 8, 16, 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 88 64, 72 80, 88 96, ये संख्याएं हैं जो कि 1 से 100 के बीच में और जो 8 से विभाजित है। अच्छा, इसको हम लोग अगर आप देखें तो इसको हम लोग वैसे भी निकाल सकते थे। बोले सर कैसे, बोले वैसे निकाल सकते हैं, वैसे मतलब कैसे, देखना देना। अगर आपसे ऐसे ही कहा जाता कि 1 से 100 तक के बीच की संख्या जो कि 8 से विभाजित होती है तो हम लोग इसको विभाजित कर लेते हैं, और जितने बार पूर्ण विभाजन होता है उससे मतलब रखते हैं। तो भैया यहां तो पूर्ण विभाजन हो नहीं रहा है तो ये 0, और यहां पूर्ण विभाजन 12 बार होगा तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब 1 से 100 के बीच में 8 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 12 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 8 से विभाजित हो रही हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, तो सर आपने ऐसे क्यों लिखा, ये मैंने आपको इसलिए लिख के दिखाया क्योंकि यहां पे जो कह रहा था ना कि एक अंक 8 होना चाहिए, वो पता कैसे चलेगा, भैया इसमें एक अंक 8 है, अंक 1 8 चाहिए, ये भी खत्म ये भी खत्म। तो कौन कौन सी संख्याएं ऐसी बची, 1 8 बची, 1 48 बची, 1 80 बची, 1 88 बची, ये 4 संख्याएं 1 से 100 के बीच में ऐसी हैं जो 8 से विभाजित भी होंगी और जिनमें एक अंक 8 भी है। तो सही जवाब क्या होगा, बोले सर सही जवाब की अगर बात की जाए तो 4 ऐसी संख्याएं बनेंगी, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बोलिए ठीक है, आइए अगला सवाल। ठीक है, वेरी गुड, अब जरा इस सवाल को समझिएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा बड़ा प्यारा। यदि किसी संख्या का घन किया जाए, एक्चुअल में सवाल क्या है, सवाल नहीं ये कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन उसको सवाल की फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि किसी संख्या का घन जो है किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकते हैं, इस बात की जानकारी है, ध्यान से समझना। दुनिया की कोई भी संख्या का अगर घन किया जाए तो उसकी इकाई में 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हो सकती हैं। 0 का घन करने पर 0 मिलता है, 1 का घन करने पर 1 मिलता है, 2 का घन करने पर 8 मिलता है, 3 का घन करने पर 7 मिलता है,
चार का घन करने पर चार ही मिलता है, पांच का घन करने पर पांच ही मिलता है, छह का घन करने पर छह ही मिलता है, सात का घन करने पर बाबूजी ध्यान से देखना तीन मिलता है, आठ का घन करने पर इकाई में दो मिलता है, मैं सिर्फ इकाई की बात कर रहा हूं, और बाबूजी नौ का अगर घन करोगे तो यूनिट डिजिट नौ ही प्राप्त हो। तो कौन कौन से अंक जो है इकाई के स्थान पर हो सकते हैं, कौन कौन से मतलब कितने अंक इकाई के स्थान पर हो सकते हैं, तो देखिए जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है और नौ भी हो सकता है। यानी कि सारे के सारे अंक अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन करते हैं तो उसकी इकाई में मिल सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, जीरो से नौ तक कोई भी संख्या, कोई भी अंक उसका घन मिल सकती है। बोलिए स्पष्ट है, ठीक है ना। चलो, इसका इस्तेमाल इसके पहले वाले क्वेश्चन का बहुत जगह होता है, इसलिए उसको दिमाग में रखना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल और ऐसे ही 98 फैक्टोरियल को अगर 5 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूंगा यहां पर, उसको समझेंगे आप तो सवाल चुटकियों में हो जाएगा। कैसे भैया, अगर हम ये बोलें कि अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल लिखा हो तो इसका मान क्या होगा, तो सर आप बोलोगे भाई सर इसका मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, राइट। तो 5 चौको 20 थे, 160 दूनी 120, क्या ये संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, 5 से? बोले हाँ सर पूरी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा क्यों हो जाएगी? आपने कहा सर ये इसलिए हो जाएगी क्योंकि जब हम इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे तो वहां पर एक बार 5 तो आया ही था, अगर 5 आया था तो संख्या में अगर 5 है उसके फैक्टर में तो संख्या 5 से तो विभाजित होगी। अच्छा दोस्त, अगर मैं ये लिखता 6 फैक्टोरियल तो क्या ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा? बोले सर हो जाएगा। हमने कहा क्यों? क्योंकि सर इसमें भी 5 है। तो आप ये कह सकते हो कि 5 फैक्टोरियल, ध्यान से सुनिएगा, कि 5 फैक्टोरियल और इससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं, और इससे बड़े, इससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सारे के सारे 5 से विभाजित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें 5 आता है। तो अब हमारा सवाल तो सरल हो गया ना। बोले सर कैसे? हमने कहा हमें तो सिर्फ, अब देखो 4, 5, 6, 7, 8, 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल है उनको सबको हटा दो, हमें सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक का गेम देख लेना है, बस काम खत्म। अब आपको यह जानना जरूरी है कि जो भैया 0 फैक्टोरियल दिया है ना, इसका मान 1 होता है, इस बात को चाहो तो याद कर लो, और या तो फिर हमने डिफेंस में जब कोर्स पढ़ाया था तो उसमें कुछ एक वीडियो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डाले थे, उसमें मैंने ये डिटेल में बताया है कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये 0 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता ही है, 2 फैक्टोरियल 2 रहेगा, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल जो होता है वो 4 × 12 होता है, नहीं 4 × 12 × 24 होता है 4 फैक्टोरियल। 5 के आगे से हमें 5 और 5 के आगे से लेना ही नहीं क्योंकि सब 5 से ऑलरेडी डिवाइड है। 24 × 6 = 30 2 = 32 1 = 31 31 और 1 = 32 24 × 6 = 30 30 2 = 32 2 = 34 5 × 34 अब 34/5 अगर करोगे तो सिंपल सी बात है, यहां से शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए आया शेषफल 4? यस और नो का जवाब दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आया, तो अगर आपका ये सवाल का उत्तर आ गया है और आपको ये बात पूरी तरह से समझ आ गई है तो से यस एंड थम्स अप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, शेषफल क्या मिलेगा? 4। बोलो ठीक है, देख लो पहले एक बार फिर बताना हाँ सर ठीक है। चलो चलिए इस सवाल को देखिए, अगला सवाल। मान ले कि कोई पूर्णांक n जो है वो 1 से बड़ा है या बराबर है के लिए n फैक्टोरियल का मान ये है, तो कह रहा है x बराबर 8² × 15 16 17 18 फैक्टोरियल, जब x 16 फैक्टोरियल से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है? मुझे इस सवाल में थोड़ा सा, when x is divided by 16 फैक्टोरियल, मतलब ये x जो है ना ये वाला हिस्सा 16 कॉमा लगा दो,
ये जो पार्ट है जो x का है, अगर इसे 16 फैक्टोरियल से विभाजित करा जाएगा तो शेष क्या बचेगा? अरे यार बड़ा सरल पूछ दिया है, अभी तो इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हुआ है, जल्दी से बताओ x को 16 फैक्टोरियल से विभाजित करोगे तो क्या बचेगा? ये तो खत्म हो गया भाई, अरे बोलो क्या है ये? बोले सर कैसे खत्म हो गया? हमने कहा देखो दोस्त, ये जो लिखा हुआ है ना x बराबर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 64 गुणे 15 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल, ये दिया था और इसको विभाजित करना था 16 फैक्टोरियल से। तो अगर हम यहां पर कुछ ऐसा काम कर लें कि हम 16 को बाहर कर लें किसी भी तरीके से, तो कुछ अपना काम सरल हो सकता है। बोले सर पक्की बात है? हमने कहा झूठ बोलेंगे क्या? कोशिश करो 16 कैसे बाहर होगा, प्रयास करके बताने का प्रयास करो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आ जाए तो बताना, घबराना नहीं, ठीक है? नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हैं फिर जिंदा, हम बताएंगे, ठीक है? पहले एक बार प्रयास कर लो, ना आए तो फिर बोलो कि सर अभी फिलहाल समस्या है नहीं आ रहा है। चलो खैर देखो, अगर नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसका आंसर शून्य है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसमें से अगर हमें कुछ कॉमन लेना है तो क्या कॉमन हो सकता है? सर जो सबसे छोटा होगा वही कॉमन होगा। तो देखो दोस्त, x बराबर 64 था, यहां से हमने 15 फैक्टोरियल को कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा? बोले सर 1, 15 फैक्टोरियल कॉमन हुआ है यहां से, क्या बचा भाई? 16 फैक्टोरियल, ध्यान से देखना है, इसमें से 64 पहले जैसा लिखा, 15 फैक्टोरियल हमने कॉमन कर लिया। अब जब 15 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया तो यहां तो 1 बच गया, लेकिन यहां क्या आएगा? बोले सर इसको हम 15 फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 फैक्टोरियल को? गौर से देखना जरा, थोड़ा सा ये भी समझाते हैं आपको हम। सर 16 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 गुणे 15 फैक्टोरियल, तो हमने 15 ही फैक्टोरियल तो कॉमन लिया है, तो बचा क्या? बोले सर 16 बचा। मैंने कहा ठीक है, यहां से बताइए 17 फैक्टोरियल लिखा तो इसमें 15 कॉमन है, तो बस सर यहां पर 17 गुणे 16 बचेगा। मैंने कहा चलो समझ में आया, प्लस सर यहां 18 फैक्टोरियल लिखा है, इसमें से 15 कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा? बोले सर 18 गुणे 17 गुणे 16, ये बचेगा सर। मैंने कहा चलो इतनी बात भी समझ में आई, नीचे 16 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा था, थोड़ा सा तिरछा गया है लेकिन इट्स ऑल राइट, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा भैया ध्यान से देखना, नीचे था 16 फैक्टोरियल, अब गुरु 16 फैक्टोरियल को हम 16 गुणे 15 फैक्टोरियल तो लिख ही सकते थे, इससे देखो ये 29 खत्म, अब सिर्फ 16 से विभाजित करना रह गया, और 16 से इसको विभाजित करोगे यही सब में गुणनफल में, तो 16 से इसको विभाजित करोगे एग्जैक्टली डिवाइड हो ही जाएगा, और इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, गुणा करोगे तो यहां भी 64 होगा, यानी 16 का गुणनफल होगा, यानी ये 16 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और जब विभाजित होगा तो शेषफल क्या मिलेगा? जब पूरा पूरा कोई चीज विभाजित हो जाती है तो शेषफल क्या रहता है? शून्य रहता है कि नहीं रहता? ए ऑप्शन आंसर, खत्म हो गया सवाल, इतना ही था, समझने की देर थी। नेक्स्ट चलिए देखिए अगला प्रश्न, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। वाह क्या सवाल है भाई साहब, क्या सवाल दिया, मजा ही आ गई। चलो बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, अगर आपसे कहा गया 6 से विभाजित 4 अंकों की सब 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का योग, तो 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या जो कि 6 से विभाजित होती है। अगर वैसे हम पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आपका जवाब होता सर 1000, है ना? 1000 को अगर भैया हम 6 से विभाजित करें तो ये बताना शेषफल क्या आएगा। बहुत ध्यान से सोच कर एक छोटे से प्रश्न पर हम लोग पहुंच रहे हैं कि आपको मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ दी जाती जो कि 6 से विभाजित होती तो भी कैसे निकालते। 6 कम 6 4 बचेगा, 6 चरण 36 4 बचेगा, 6 चरण 36 4 बचेगा।
अब अगर ये 166 बार डिवाइड होता तो कितना आता? बोले सर 166 बार अगर डिवाइड होता, ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से, तो देखो आता कितना, 6 चरण 36, 6 3, 6 चरण 36, 6 3, 9, 3, 6, 1, 6 और 3, 9, 996 आता। यानी कि अगर ये तो 996 पूरा पूरा 6 से विभाजित होगा, लेकिन अगर मैं इसी में 6 और जोड़ देता जो कि क्या बना देता, 1002, समझ रहे हो, 1002। तो ये जो संख्या बनती चार अंकों की, ये 6 से विभाजित होती या नहीं होती देख लो करके, 6 से विभाजित हो जाती ना, 6 × 7 = 42 आखिरी में, और ये चार अंकों की वो सबसे छोटी संख्या है जो कि 6 से विभाजित हो रही है। तो हमारे पास चार अंकों की वो सबसे छोटी संख्या तो आ गई जो 6 से विभाजित हो रही है, जिसका मतलब है 1002। बोलो इतनी बात क्लियर है सभी को, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो इसमें दूसरी चीज पूछी गई थी, और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। अब 11 से विभाजित 5 कैसे निकालेंगे, 5 अंकों की वैसे सबसे छोटी संख्या ये होती है। अगर ये 11 से विभाजित है तो क्या होनी चाहिए, समझना, इसमें कितना जोड़े या कितना घटाएं, जोड़ना ही पड़ेगा, घटा तो सकते नहीं हो, जोड़ना ही पड़ेगा, घटा तो नहीं सकते हो ना। अब ध्यान से सुनना जरा, कैसे क्या जोड़े, 11 × 9 = 99, 1, फिर 11 × 9 = 99, 1 आएगा। यानी कि अगर मैं इस 10,000 में, किसमें, 10,000 में, 10,000 में एक शेषफल बच रहा था ना, एक वो जो शेषफल बच रहा था, और इसमें जो घटा के अगर लिखेंगे तो सर जी अगर इसमें मैं 10 जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बोले सर ये बन जाएगा 10,010। और ये जो 10,010 बना है, आप अगर देखो ध्यान से, ये समझ में आया ना कि 10,000 में 10 क्यों जोड़ा, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी संख्या चाहिए थी जो कि किससे विभाजित होनी चाहिए थी, 11 से, और यहां पर शेषफल तो एक ही मिल रहा था, तो जो शेषफल मिला उसको मैंने विभाजक से घटाया और जोड़ दिया, यही काम वहां किया था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। यहां पर शेषफल 4 मिल रहा था, कितना, सॉरी गुणा करके देखा था, इसमें गुणा करके देखा था, इसमें हमने वो वाला रूल लगा दिया, विभाजक डिवाइजर डिविडेंड क्वेश्चेंट और रिमाइंडर का रूल लगा दिया इसमें, ठीक। तो ये संख्या बन गई 10,010। अब कह रहा था इसके अंकों का योग यानी कि 3 और इसके अंकों का योग यानी कि 2, इसका गुणनफल चाहिए था, तो 3 × 2 यही पूछा था। अच्छा, तो सवाल का उत्तर 6। नेक्स्ट बताइए, वैसे ही सवाल है एक और, 11 से विभाजित होने वाली चार अंक होने वाली सबसे छोटी संख्या, चार अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, और मतलब चार अंकों की अब सबसे छोटी संख्या चाहिए जो 11 से विभाजित हो, वैसे चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000, लेकिन ये 11 से विभाजित नहीं होगी, तो अगर 11 से विभाजित नहीं होगी तो अब हम कर रहे क्या, क्या जोड़े या क्या घटाएं, घटाएंगे तो 3 अंक में आ जाएगा, यानी जोड़ना ही पड़ेगा, क्या जोड़ दें कि ये 11 से विभाजित हो जाए। भैया क्या होता है 11 से विभाजकता का नियम, इससे भी निकाल सकते थे उससे पहले वाले सवाल में, इससे भी निकाल सकते थे 11 से विभाजकता का नियम क्या होगा, यहां पर हम क्या जोड़ दें, बोलो फटाक से, हालत खराब हो जाती यार, बोलो क्या जोड़ दें। 11 से विभाजकता के नियम के अनुसार अगर ये चार अंक की संख्या है तो 11 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि अंकों का जो अंतर है उनका योग अगर 0 या 11 आ जाए, तो भैया अगर मैं इस 0 की जगह यहाँ पर 1 लिख दूँ और इसका इसका अंतर लूँ तो मुझे अंतर क्या मिलेगा, 1 और 0 का अंतर +1 मिलेगा, और यहाँ पर अंतर क्या मिलेगा, -1, जो कि कट के 0 आ जाएगा, 0 आएगा मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी, नियम बताया था, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 1, तो संख्या बनेगी क्या, चार अंक की थी ना, संख्या बनेगी 1001, और 1001 के अंकों का योग क्या होता है, बोले सर 2 होता है, इतनी बात ठीक है। अब हमें जाना है 13 से विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या पर, 13 से विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या पर, छोटी संख्या तो 1000, 1000 में हम क्या जोड़ दें कि ये संख्या 13 से विभाजित हो जाए, जल्दी बताओ,
डिवाइड करो फटाक से और जल्दी बताओ इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि संख्या 13 से विभाजित हो जाए। भैया देर ना करो यार, इसमें ये तो बड़ा सरल है। बोले सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सर इसमें भी एक ही जोड़ दो, नियम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। बोले सर अच्छा 1001 ये भी हो जाएगी तो ये 13 से विभाजित हो जाएगी। बोले हाँ सर हो जाएगी, 13 सत्ते 91 तो इस संख्या जो 1001 है इसके भी अंकों का योग कितना आया? 2। अब क्या कह रहा था, अंकों का गुणनफल ज्ञात करना था इसका, तो 2×2 = 4। ऑप्शन सी करेक्ट। कितना बढ़िया सवाल आया था, हर एक कॉन्सेप्ट कवर हो गया। तुम लगभग अगर देखो ध्यान से, एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता पड़ेगी, इसको ध्यान से देख लो। खत्म करते हैं, 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करनी। भैया सब लोग जानते हैं कि अगर आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं टाइप करनी है, 1 से 9 तक, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो आपको एक बार बटन दबानी पड़ेगी, संख्या टाइप हो जाएगी। तो 1 से 9 तक कितने अंक हैं? बोले सर 1 से 9 तक 9 अंक हैं, और यहां पर प्रत्येक अंक को लिखने के लिए आपको एक बार कीबोर्ड की बटन दबानी पड़ेगी यहां, यानी कि यहां पर कुल मिलाकर 9 बार आपको बटन दबानी पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम 10 से लेकर 99 तक की बात करते हैं, तो 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हुई? बोले सर 90 संख्याएं हुई, और यहां पर हर एक संख्या 2 अंक की है, तो अगर एक संख्या को लिखने के लिए आप 2 बार बटन दबाते हो, तो 90 संख्या को लिखने के लिए, बोले सर 180 बार बटन दबाएंगे। मैंने कहा ओके। ठीक, तीसरा है, बोले सर अब, बोले 100 से लेकर 800 तक की संख्याएं लिखनी है, इसके लिए क्या होगा, ये कितनी संख्याएं होंगी 100 से 800 तक? भाई 800 में 99 माइनस कर दो, क्योंकि 99 तक का काम हो गया। अब बची कितनी संख्याएं? 701 संख्याएं। कितनी संख्याएं बची? 701। अब हर संख्या यहां पर जो लिखी जाएगी 100 से 800 के बीच में, कोई भी संख्या हो, वो हर एक संख्या 3 अंकों की होगी, यानी प्रत्येक संख्या लिखने के लिए आपको 3 बार बटन दबाना पड़ेगा, और 701 संख्याएं हैं और 3 बार बटन दबाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2103। कितनी बार बटन दबी? बोले सर 2103 बार बटन दबी, सबको जोड़ना ही तो रह गया, 2103, 180 और 9 जोड़ लीजिए, टोटल कितनी बार बटन दबानी पड़ेगी हासिल, 1, 9, 2 और 2, 2292 बार आपको कुल बटने दबानी पड़ेंगी, तो सही ऑप्शन डी। ठीक, और ये बहुत प्यारा सवाल है, आप अगर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, और बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, ऐसा नहीं। आखिरी सवाल आज की क्लास का हम आपको देखते हैं, टोटल 35 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर कराए हैं नंबर सिस्टम के। बेटा लिख लो, गांठ बांध लो, अगर प्रश्न आएगा तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से आएगा, सिर्फ इन 35 प्रश्न अगर आप कर लोगे तो समझ लो नंबर सिस्टम आपका कहीं नहीं जाएगा मेरे दोस्त। बस जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उसका रिवीजन कर लेना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक आखिरी सवाल को जल्दी से निपटाकर, और ये निपटाना तो आपके ही ऊपर डिपेंड है, जल्दी से निपटाओ, जरा पढ़ लो। कह रहा 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें पी क्यू आर क्रमशः 7वें, 10वें और इकाई के स्थान पर हो, ताकि पी क्यू से छोटा हो और आर भी क्यू से छोटा हो, जबकि पी जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो भैया यहां पर एक चीज का देखना होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर, ये नहीं होगा यहां पर, होगा 3 अंक का कितने नहीं होगा। फिर अगर हम इससे देखें ऑप्शन के हिसाब से, तो 3 अंक के कितने यहां पर, ये होना चाहिए 3 अंक के कितने नहीं, 3 अंकों के कौन सा, यहां पर कौन सा लिखोगे, यानी कि ऑप्शन में आपको वो बताना है वो अंक कौन सा है, कौन सा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, कौन सा लिखा जाएगा, कितने होंगे, तो इसको निकालना तो इन कंडीशन से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर P समय स्थान पर है तो 100P, Q अगर 10वें स्थान पर है तो 10Q, और अगर R इकाई स्थान पर है तो R, और हमको ये बताया गया है कि जो है P जो है वो Q से छोटा है, यानी कि सैकड़े वाला जो अंक है वो दाही के अंक से छोटा है,
तो आप देखो जरा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सैकड़े वाला अंक दाही के अंक से छोटा है। सभी में सैकड़े का अंक दाही के अंक से छोटा है, ठीक बात है। आगे आर जो है वो क्यू से छोटा है, यानी इकाई का अंक भी दाही के अंक से छोटा है। तो इकाई का अंक दाही के अंक से छोटा है? नहीं। इकाई का अंक दाही के अंक से छोटा है? नहीं। इकाई का अंक दाही के अंक से छोटा है? हाँ है। इकाई का अंक दाही के अंक से छोटा है? इसमें भी है, दो ऑप्शन ऐसे मिले जिसमें इकाई का अंक दाही के अंक से छोटा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे लिए सी और डी जिसमें इकाई का अंक दाही के अंक से छोटा आया। लेकिन अब आगे एक कंडीशन और कह रहा है पी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। पी जीरो के बराबर ना होने का मतलब जानते हो क्या है? यानी सैकड़े का अंक जीरो नहीं होना चाहिए। तो ठीक बात है, सैकड़े का अंक जीरो नहीं है, लेकिन अब यहां पर समस्या क्या आ रही है, हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे टिक कर आ गए, एक 285 और एक 240, यानी 285 और 240, जो कि इन दोनों बातों को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों में संतुष्टि तो नहीं हो सकती। चलो जरा चेक करते हैं, पी क्यू आर क्रमशः जो है, पी जो है समय स्थान पर हो, क्यू दसवें पर हो और आर जो है इकाई के स्थान पर हो। पी क्यू जो है वो पी से बड़ा हो, यानी कि दाही का अंक सैकड़े के अंक से बड़ा हो, दाही का अंक सैकड़े के अंक से बड़ा हो, ठीक है। और जो क्यू है वो इकाई के अंक से भी बड़ा हो, यानी कि दाही का अंक इकाई के अंक से भी बड़ा हो, दाही का अंक इकाई के अंक से भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, जो कंडीशंस दी है ना उस कंडीशन के हिसाब से तो ये दोनों ही ऑप्शन सही आ रहे हैं। हाँ, अगर यहां पर ये होता, इस पी नॉट इज इक्वल टू जीरो की जगह अगर ये होता कि आर नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो हम ये कह सकते थे कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता, अगर ऐसा होता तो। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये देख कर चलेंगे कि जो हमारे सवाल की कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है इन दोनों ऑप्शन से। अगर इसकी जगह ये लिखा होता तो सिर्फ सी आंसर होता, राइट, क्लियर है। चलो, तो ये हो गए हमारी आज की क्लास के पूरे सवाल। और अगर मेरे दोस्त भाई लिख लो आज की तारीख, दीपावली के एक दिन पहले छोटी दिवाली, तारीख 3 नवंबर, 3 नवंबर है, कितनी है, दीपावली से पहले का समय है क्या, हाँ जो भी है लिख लो, जिस दिन आप ये वीडियो देखना उस दिन की तारीख लिख लो। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, नंबर सिस्टम से अगर सवाल आएगा तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आपकी इच्छा, आप अपने आप को और उन चीज़ों में व्यस्त करना चाहते हो नंबर सिस्टम के लिए जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, या सिर्फ अगर नौकरी पाने की इच्छा है तो सिर्फ वही पढ़ो जिससे नौकरी लग जाए। तो ये जो आज की क्लास मैंने आपको दी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सिस्टम, ये आपकी वही क्लास है जो अगर नंबर सिस्टम में अगर सवाल आएगा तो आपको नौकरी के लिए 4 कदम आगे बढ़ा के जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।